चाहिए। नमस्कार, रामभाव माळगी प्रबोधिनी मंगलायतन यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन वेबिनार में, विच इज ऑन द टॉपिक फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया। इन दिस सेशन टुडे वी हैव स्टालवर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री, जिन्होंने सालों का ऑनलाइन एजुकेशन पर, जिन्हें अनुभव है देश में ऑनलाइन एजुकेशन रन करने का। सबसे पहले मैं रामभाव माळगी प्रबोधिनी के महानिदेशक श्री रविंद्र साठे जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे इस इलस्ट्रियस पैनल के पैनलिस्ट का स्वागत करें एवं उनका परिचय भी सारे दर्शकों से करें। रविंद्र साठे सर। धन्यवाद रवि जी। आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी माननीय और वक्तागण और सभी दर्शकों का मैं तीन संस्थाओं के तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ। अभी का जो वेबिनार है उसमें देश के जाने माने शिक्षाविद और इस विषय के तज्ञ व्यक्तियां उपलब्ध है। वैसे हर एक का परिचय तो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी यदि संक्षेप में बताना है हर एक के बारे में तो मैं सबसे प्रारंभ करूंगा प्रोफेसर नागेश्वर राव, जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और इस विषय के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, कमिटी ऑन प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। उसके आप विद्यमान अध्यक्ष भी है। तो नागेश्वर राव जी, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। दूसरे माननीयवर है प्रोफेसर ई वायुनंदन जी, आप यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर है और प्रबोधिनी के साथ काफी साल से जुड़े हुए हमारे एक अभिभावक भी है। वायुनंदन जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। तीसरे माननीयवर है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर ए के मिश्रा, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर है और आपने आर्मी में भी काफी काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। चौथे माननीयवर शिक्षाविद है प्रोफेसर मधुलिका कौशिक, आप उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी जो रांची झारखंड में है उसके आप प्रो वाइस चांसलर है। आपकी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। पांचवे माननीयवर है डॉक्टर मंदार भानुशे, विद्यार्थी क्षेत्र में आपने काम किया है, छात्र संगठन से आप जुड़े हुए हैं और अभी मुंबई यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग जो इंस्टीट्यूट है उसके आप गत लगभग 15-16 साल से आप उससे संबंधित है। आप सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को जो मॉडरेट कर रही है वो है प्राची साठे। आप भी एक अध्यापक रह चुकी है और शिक्षा क्षेत्र में आप कार्यरत है। धन्यवाद सभी का। सभी दर्शकों को फिर से एक बार मैं प्रणाम करता हूँ, सुप्रभात, और मैं रवि जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे की कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र साठे सर। मैं एक बार पुनः, हमारे साथ काफी दर्शक जुड़ चुके हैं फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया इस वेबिनार में आप सभी लोगों से सुनने के लिए, तो उन सभी की ओर से और तीनों संस्थानों जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम का नियोजन जो कर रहे हैं, रामभाव माळगी प्रबोधिनी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, तीनों की तरफ से भी एक बार पुनः आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत। और इस अगले 1.5 घंटे में, इस अगले 1.5 घंटे का फ्लो कुछ इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले हम इग्नू के वाइस चांसलर, जो कि जैसे साठे सर ने बताया कि अभी वर्तमान में एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो एक कमिटी ऑन प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऐसी शुरू की है, आप उसके भी चेयरपर्सन है, तो हम सर से आग्रह करेंगे कि सबसे पहले आप अपना एक कीनोट एड्रेस दें और उसके बाद 11:30 बजे से 12:30 के बीच में हम अपने बाकी सभी मान्यवरों के साथ एक पैनल डिस्कशन करेंगे जिसे प्राची जी मॉडरेट करेंगी, और उस दौरान हम लोगों के प्रश्न भी लेंगे। तो हम सबसे आग्रह करते हैं, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे आप ये जो वेबिनार है वो रामभाव माळगी प्रबोधिनी के फेसबुक पे भी लाइव देखा जा सकता है, मंगलायतन यूनिवर्सिटी के फेसबुक पे भी लाइव देखा जा सकता है, और साथ में उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी के फेसबुक पे भी लाइव देखा जा सकता है। आप अपने प्रश्न हमें फेसबुक में कमेंट सेक्शन में देते रहें, हम टुवर्ड्स द एंड आपके प्रश्नों को लेंगे, और आप अपने बारे में भी थोड़ा सा लिखिए क्योंकि हम अपना नाम और आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका क्या प्रश्न है, ये तीनों हम लेंगे। और साथ में इस सब से जो इसमें पूरे कार्यक्रम में जो जुड़ेंगे, आप लोगों को ई सर्टिफिकेट देने का भी एक प्रयोजन रखा गया है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको फेसबुक के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो विदाउट मच अडू आई विल नाउ रिक्वेस्ट प्रोफेसर नागेश्वर राव टू गिव हिज कीनोट एड्रेस सर।
आदरणीय रविंद्र साठे जी, हमारे साथी आदरणीय वायुनंदन जी, मधुलिका जी जिनको हम पहले से ही जानते हैं, एके मिश्रा जी, मंदर भानुषे जी और समन्वयक प्राची साठी जी, सबसे पहले मैं रामभाऊ प्रबोधनी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आपसे बात करने का। रवि जी, क्या हिंदी अंग्रेजी कुछ ही चलेगा कि हिंदी जैसा जिसमें आप हिंदी एंड थोड़ा इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, प्रेडोमिनेंटली हिंदी रहेगा तो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हम हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा सा। तो बहुत अच्छा लगा हमें यह अवसर मिला और संयोग से हमारे दो अच्छे साथी हैं जो इस दूरस्थ शिक्षा से कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं उनको बहुत फायदा होगा। जो विषय आपने सुना है बहुत ही प्रासंगिक है, द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इन इंडिया, भविष्य में अपने देश में ऑनलाइन जो शिक्षण है उसकी क्या क्या भविष्य होगा। जिस समिति की बात आदरणीय साठे जी कह रहे थे, वह समिति एक छोटे अंतराल के लिए बनाई गई थी और उसका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। उस समिति का प्रतिवेदन भी यूजीसी को प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन उसमें और जो वर्तमान परिवेश है विशेष रूप से COVID-19 के संदर्भ में, ऑनलाइन के बारे में बहुत ज्यादा बातें होने लगी और कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस में भी यह लगने लगा कि जो हमारे क्लासरूम टीचिंग है उसके बजाय शायद हम लोग ऑनलाइन टीचिंग में ज्यादा बेहतर ढंग से पहुंच सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, जो मटेरियल है वो हम क्या ऑनलाइन दे सकते हैं, जो शिक्षण प्रविधि है क्या हम उसको ऑनलाइन दे सकते हैं, और इसमें हमारे यहाँ जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वो उस ऑनलाइन जो प्रविधि के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको वो किस प्रकार से ग्राह्य कर पा रहे हैं। ये दो तीन चिंताएं हैं और दो तीन इश्यूज हैं जिस पर हम थोड़ी बहुत तथ्यात्मक जानकारी आपको प्रस्तुत करेंगे। जब तक हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो जहाँ तक मुक्त विश्वविद्यालयों की बात है, हर मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ जो उनका स्टडी मटेरियल बना हुआ है, उस स्टडी मटेरियल को उन्होंने ई कंटेंट के रूप में ऑलरेडी कन्वर्ट कर रखा है और उसके रूप में उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है और उसका प्रयोग बाकी जो शिक्षार्थी हैं वो उसका प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि इग्नू का भी मटेरियल IAS इत्यादि के लिए प्रयोग होता रहता है। इसी तरह से यशवंतराव चौहान का भी जो कृषि का मटेरियल है बहुत ज़्यादा प्रयोग होता रहता है। तो ये जो ई मटेरियल का प्रयोग है बहुत लोग करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो ई ज्ञान कोश है उसमें अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले अपने मंत्रालय को रिपोर्ट भेजा हुआ है जिसमें 10,000 हिट अभी कल गई हैं और लगभग 1,00,000 पेजेस लोगों ने देखा हुआ है। ये 10,000 बहुत कम है, अभी बीच में 17,000 हिट्स तक ई ज्ञान कोश में गई हुई हैं और लगभग 1,50,000 पेजेस पर डे लोगों ने उसको देखा हुआ है। तो ये जो प्रयोग हो रहा है ये तो हमने एक अपनी संस्था का बताया, लेकिन देश में जितने भी ई रिसोर्सेज हैं, जो भी ई कंटेंट जहाँ जहाँ उपलब्ध है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। UGC ने 25 मार्च को एक पत्र जारी किया था, उस पत्र में उन्होंने जितने भी देश में ई रिसोर्सेज हैं उनकी जानकारी दी थी और वो सारे देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भेजा था कि जहाँ कहीं भी बच्चों को आवश्यकता पड़े उन ई रिसोर्सेज को देखें। उसमें EPG पाठशाला, मतलब ये निःशुल्क थे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, CEC इत्यादि के लगभग 10 स्थानों पर शोध सिंधु उन्होंने 10 आइडेंटिफाई करके दिए हुए थे जो सोर्सेज फ्री एक्सेस पर हैं और कोई भी देख सकता है। प्लस हमने बताया कि अन्य जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं सबके पास ये रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम शायद जानते थे,
और उसका प्रयोग बहुत कम होता था, विशेष रूप से छात्रों और शिक्षकों के लिए। उसमें 4 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें हैं और उपलब्ध हैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, अपने देश में ही उपलब्ध है और उसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इन्फ्लिपनेट है हमारे पास, एक ऐसी संस्था जो UGC की सब्सिडरी एजेंसी है, उसके पास भी जो PG पाठशाला है उसके रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज ई फॉर्म में उपलब्ध हैं, जिनको कम से कम हम लोग जब और इसके लिए कोई अलग से पैसा भी नहीं देना पड़ता, जो हम लोग को देने की आवश्यकता पड़ती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, निःशुल्क ये उपलब्ध हैं। तो पाठ्य सामग्री जो तैयार हुई है, इसमें जो शिक्षक इसमें लगे थे तो बहुत ही योग्य शिक्षक थे और उन्होंने इसको बनाया और ये सोच के बनाया कि जो पाठ्य सामग्री है वो छात्र बिना शिक्षक के भी पढ़ सके। यह जो पाठ्य सामग्री का जो हमारे पास अद्भुत भंडार है, इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में माननीय जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने अभी ये भी कहा हुआ है कि जो NCERT है अपने छोटे बच्चों के लिए, क्लास PG से लेकर के जो 12th तक हैं, UG से लेकर के जो KG से 12th तक, ये सब के लिए भी हम लोग इस प्रकार के पाठ्य सामग्री निर्मित करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंशा यह है कि KG से PG तक एक ही पोर्टल बने जहां पर सारे जो भी इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं उनको उपलब्ध कराया जाए और बच्चों को इसमें पढ़ने की छूट दी जाए। जो दूसरा क्षेत्र है, जो शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण के लिए शायद कोविड नहीं आता तो शायद हम लोग उतने जागरूक नहीं होते, लेकिन कोविड ने हम सबको बहुत ज़्यादा जागरूक कर दिया है। और अगर आप देखें तो 2015 में स्वयं का प्लेटफॉर्म देश में स्थापित हुआ MHRD के तहत, और उसके दो साल बाद 2017 में स्वयं प्रभा के चैनल्स पूरे देश में चलने लगे। स्वयं प्रभा के जो चैनल्स थे वो 33 चैनल्स हैं और ये DISH TV भी उपलब्ध हैं। अभी सरकार ये प्रयास कर रही है कि DISH TV के अलावा जो अन्य कैरी वाले करने वाले चैनल हैं उनमें भी इनको उपलब्ध कराया जाए। ये वो चीज है जिसके द्वारा अपनी शिक्षण को हम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेटीरियल अलग है, अब यहाँ पर शिक्षक के रूप में जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग चैनल्स के माध्यम से अपने घर तक पहुंचाएं। तो 32 चैनल सोचिए, और ये 32 चैनल हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से जो 10 चैनल हैं, 10 चैनल केवल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए हैं, और ये 10 चैनल जो दिए गए हैं उसमें IIT का कंसोर्शियम एक बनाया गया है, वो NEPTEL कहलाता है, NPTEL, और वह है ना इसको मॉनिटर करता है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अच्छे से अच्छे कोर्सेस उसमें लोड किए गए हैं, लगभग 500 से ज़्यादा कोर्सेज हैं उसमें, जिसको स्वयं कोर्सेज कहलाते हैं। UG और PG कोर्सेज के लिए CEC को यह भार दिया गया है और उनको भी 10 चैनल दिए गए हैं, 11 से 20। तो 10 चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 10 चैनल UG और PG कोर्सेज, 5 चैनल उन्होंने UGC को दिए, इनको दिया है, इग्नू को, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज के लिए हैं। 2 चैनल NIOS को दिया हुआ है, 1 NCERT को दिया हुआ है और 1 टीचर एजुकेशन पर NIOS को दिया हुआ है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 33 चैनल्स हैं जो 24 घंटे उपलब्ध हैं, और उसमें हर बार फ्रेश कंटेंट 4 घंटे का रहता है, और उस 4 घंटे के कंटेंट को 6 बार रन कराया जाता है, जिससे कोई बच्चा अगर सुबह नहीं देख पाए तो दोपहर में देख ले, दोपहर नहीं देखा तो शाम को देख पाए, संडे को नहीं चलता है। तो ये आपके DISH TV चैनल पर उपलब्ध है। अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि जो छोटे बच्चे हैं जो COVID-19 के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन सबको भी विशेष चैनल की सुविधा दी जाए। तो उन्होंने इन 33 चैनलों में से 12 चैनल, पहले 1 या 2 चैनल थे, अब 12 चैनल उन्होंने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए ईयरमार्क किए हैं, और बाकी बचे हुए चैनल उच्च शिक्षा के लिए जोड़े गए हैं। अब ये जो 12 चैनल हैं, हर क्लास के लिए 1 चैनल, कक्षा 1
एक चैनल, कक्षा दो दूसरा चैनल, कक्षा तीन तीसरा चैनल, क्लास वाइज उनको कक्षाएं वहां पर ली जाएंगे। और उसमें जो पहले 4 घंटे का समय था, उस 4 घंटे के समय को भी बढ़ाया जा रहा है कि एक्टिव समय 6 घंटे हो जाए, जिससे कि बच्चा जब भी चाहे उस 6 घंटे के मैटर को बार बार रिपीट किया जाएगा। तो यह जो संपूर्ण चैनल के द्वारा शिक्षण व्यवस्था है निःशुल्क है, और इस निःशुल्क शिक्षण पद्धति से बच्चा घर में बैठ के पढ़ सकता है और बेस्ट पॉसिबल टीचर से उनके पास पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एक और प्रयास इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर रहा है, वो ये चाहता है कि जो हमारे पास वर्तमान में जो पाठ्यक्रम बने हुए हैं इन चैनलों के, वो ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम में है, बहुत कम ही हिंदी में है। तो अभी इन सबको 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन कराया जा रहा है और अगले 3 महीने में उम्मीद यह है कि 8 भाषाओं में इन सबका ट्रांसलेशन होकर के इन चैनल्स पे आ जाएगा, यानी बंगाली, मराठी, तमिल, हिंदी, इस प्रकार से 8 स्पेसिफिक जो भाषा है जिससे पूरे देश में लगभग 80% हमारी पॉपुलेशन उससे कवर हो जा रही है। इस सारे के सारे कोर्सेस, सारे के सारी बातें 8 भाषाओं में लोगों को पढ़ाई जाएंगी और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन ही तो है, और घर बैठे इसके लिए अलग से कोई आपको शिक्षण कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि MHRD ये भी बात कर रही है कि जो डिश टीवी चैनल है उसके अलावा जो अन्य चैनल हैं टाटा स्काई और ये, इनसे भी बातचीत चल रही है कि वो भी इसको निःशुल्क कर दें, मस्ट कैरी चैनल के रूप में इनको कराया जाए, जिससे हर बच्चे को इसका फायदा उठाने में कोई दिक्कत ना आए। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों की बात की जा रही है। हमने इसके पूर्व एक और शब्द का प्रयोग किया था कि स्वयं। अभी COVID-19 के दौरान जो विदेश में जो 2 बड़ी प्लेटफॉर्म हैं एडेक्स और कर्सरा, ये इस दौरान अपने देश में आई थी और कई लोगों से ये कहा गया कि आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करिए, निःशुल्क है हमारे कोर्सेज, और उसके कई लोगों ने हमारे पास भी एडवर्टीजमेंट भेजे और आप लोगों को भी भेजे होंगे कि आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो और ये कोर्स निःशुल्क है। वहाँ करोड़ों की संख्या में लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं, बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं कोर्सेस। शायद हम लोग को मालूम नहीं है या मालूम होते हुए हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने अभी रेफर किया था 2015 में हमारे यहाँ भी MHRD ने स्वयं प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, वहां पर भी कोर्सेस निःशुल्क हैं, हम लोग को शायद मालूम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो निःशुल्क कोर्सेज है, जिसमें हमने बताया कि जो कोर्सेज हैं UG के हैं, PG के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज उसमें उपलब्ध है। अभी तक एक और जो हम लोग के मन में एक धारणा बनी हुई थी कि हम लोग अगर BA करेंगे तो BA के जो 14 कोर्सेज या 18 कोर्सेज सब पास होंगे तभी BA की डिग्री मिलेगी। MA में अगर 12 कोर्सेज हैं तो 12 कोर्सेज जब तक पास नहीं हो तब तक MA की डिग्री नहीं मिलेगी। ये प्रोग्राम बेस्ड एजुकेशन अभी तक चला आ रहा है। कई बार हम लोगों ने देखा कि बच्चे 12 में से 11 पेपर पास कर लेते हैं, लेकिन 12वां नहीं पास कर पाते तो उनके लिए पूरा 11 जो कोर्सेज पास हुए उनके प्रयासों की कोई वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार से अंडर ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ने के लिए अगर उन्होंने 18 कोर्सेज उनको कहे गए हैं और उन्होंने 17 पास कर लिए हैं, 18वां नहीं पास कर पाए, तो उनका सारा मेहनत व्यर्थ हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रख करके जो दोनों कंपनियां हैं, जो दोनों प्लेटफॉर्म हैं, कर्सरा हो चाहे एडेक्स हो, जो पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरह से कोर्स बेस्ड अपना एजुकेशन करती हैं, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन काफी बढ़ाया। उन्होंने कहा नहीं, कोर्स पास होना है, आपको प्रोग्राम पास करने की जरूरत नहीं है। और यही व्यवस्था भारत ने भी स्वयं प्लेटफॉर्म पे शुरू किया। इसमें लगभग 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पिछले 4 सालों में, 2 करोड़। और इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज हैं और इसमें कोई क्वालिफिकेशन किसी के लिए नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग कोर्स करना होगा तो आपको 10+2 साइंस होगा या ऐसा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जानता हो, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, उस कोर्सेज को पास कर सकता है। और ऐसे कोर्सेज पास करके उसमें ऑटोमेटिक इवेल्युएशन सिस्टम भी है, क्योंकि स्वयं कोर्सेज का जो प्लेटफॉर्म है उसमें 4 चीज़ें हैं। पहला है ई कंटेंट, जो कि हमने बताया कि ई कंटेंट उपलब्ध है हमारे पास, और जिन पाठ्यक्रमों की बात कह रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर्सेज हों
चाहे वह यूजी पीजी कोर्सेज, उन सबके पाठ्यक्रम ई कंटेंट के रूप में वहाँ उपलब्ध है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। दूसरा, टीचर के रूप में वीडियोज उपलब्ध है। और तीसरा होता है मेंटरिंग, यानी कोई प्रश्न आपको पूछना है टीचर से तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और चौथा है मूल्यांकन। ये चारों ही प्रक्रियाएं इस स्वयं प्लेटफॉर्म में कंटिन्यूअसली की जाती हैं और साल में दो बार इनके प्रवेश होते हैं। अभी हम लोग जो प्रक्रिया थी MHRD ने सोची थी कि जुलाई में हम लोग शुरू करेंगे प्रवेश, लेकिन जैसे ही कोविड की बात देखी और देखा कि विदेश की जो संस्थाएं बहुत तेजी से एग्रेसिव वे में आ रही हैं, उन्होंने अपना प्रवेश मार्च में ही खोल दिया था, तो हम लोगों ने भी अभी June 1 से स्वयं के जो कोर्सेज है उन पे भी प्रवेश की बात बढ़ाई है। 2 करोड़ हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केवल सर्टिफिकेशन में, जब आपको किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन चाहिए उसकी फीस लेते हैं, परीक्षा लेने की फीस लेते हैं, अदरवाइज पढ़ने का कोई अलग से शुल्क नहीं लगता है। लेकिन यह जो व्यवस्था है यह प्रोग्राम बेस्ड डिग्री लेने की व्यवस्था नहीं है, कोर्स बेस्ड है। हम चाहें तो 2 इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ सकते हैं, 2 हम सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ सकते हैं, 2 हम मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ सकते हैं। हमारी अपनी फ्रीडम है। और यह जो कोर्स की फ्रीडम है, कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमने BCOM कर में ज्वाइन कर लिया, हम साइंस का कोर्स नहीं पढ़ सकते परंपरागत व्यवस्थाओं में, लेकिन स्वयं प्लेटफॉर्म के तहत आप कोई भी कोर्स पढ़ सकते हैं। और यह जो इंटरडिसिप्लिनरी फोकस पूरे देश में चल रहा है या पूरे विश्व में चल रहा है मस्तिष्क के विकास के लिए या क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात जो हम लोग करते हैं उस संदर्भ में, तो यह जो इंटरडिसिप्लिनरी फोकस है वह स्वयं कोर्सेज के द्वारा बहुत ज़्यादा मिल सकता है और बहुत से लोग कर रहे हैं। इसके संबंध में एक रेगुलेशन 2016 में बना हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि जो भी स्वयं कोर्सेज पास करेगा उसका 20% क्रेडिट विभिन्न विश्वविद्यालय अपने अपने पाठ्यक्रमों के साथ उसको दे सकते हैं। यानी अगर किसी विश्वविद्यालय में आप 5 पेपर आपको देने हैं तो 5 पेपर में 1 पेपर के बराबर आप स्वयं कोर्सेस पढ़ करके भी उसका इम्तहान वहां देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं कोर्सेस का इम्तहान वहां पर मान्य होगा। यह व्यवस्था रेगुलेशन के तहत थी और सारे यूनिवर्सिटीज को भेजी गई। सारे यूनिवर्सिटीज ने अपने एकेडमिक काउंसिल से इसको पास कराया, लेकिन जब अपने विभाग में गया ये बात तो कई विभागों के समझ में नहीं आया स्वयं कोर्स क्या है और क्या है, फिर उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी UGC ने अभी हाल ही में शायद 15-20 दिन पहले ही, अगर आप देखेंगे, UGC और AICT दोनों ने ही अपने वेबसाइट पे डाल रखा है कि कौन सा कोर्स परंपरागत विश्वविद्यालयों के किस कोर्स के इक्विवेलेंट है। अब आप उन कोर्सेज को देख करके आसानी से आप ये देख सकते हैं इस कोर्स को हम इस पेपर के बजाय इसकी जगह पढ़वा सकते हैं। यानी एग्जेम्पशन जो 20% का जो क्रेडिट देने की बात थी, जो क्रेडिट ट्रांसफर की बात थी, अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा प्रयास किया गया है और इस प्रयास में ये भी देखा गया कि स्वयं के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे पाठ्यक्रमों से भिन्न हैं, तो उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसको और स्वयं पे लाया जा सकता है। उस दिशा में भी कार्य चल रहा है और शायद अभी हाल ही में एक विज्ञापन भी निकलने वाला है या निकल गया होगा जिसमें लोगों से आमंत्रण किया जा रहा है कि आप लोग अगर आप स्वयं कोर्सेज डेवलप, टीचरों के लिए है, अगर आप स्वयं कोर्स डेवलप करना चाहते हैं तो आप लोग भी आप सामने आइए और उसमें इस प्रक्रिया में भागीदारी बनिए और जो जो गैप्स बने हुए हैं UG PG और इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, उन सारे क्षेत्रों में आप उन कोर्सेज को कंट्रीब्यूट करें जिससे कि ये जो 20% ऑफ क्रेडिट का है यह क्रेडिट भी हम लोग वहाँ पर दे सकें। अभी हाल ही में 20% क्रेडिट को अब 40% करने की प्रक्रिया में प्रक्रिया चल रही है। ऑलरेडी कमिटीज इस संबंध में विचार कर चुके हैं और ये माना जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे इस प्लेटफॉर्म में बच्चों की संख्या बढ़ रही है और लगातार हम लोगों के जो बच्चे हैं ऑनलाइन, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। पहले लोग घबराते थे केवल कंप्यूटर बेस्ड ही प्रश्न होंगे, अब ऐसा भी नहीं है, अब उन्होंने पेन एंड पेपर क्वेश्चंस को भी रखा हुआ है। तो यह जो एक स्वयं प्लेटफॉर्म अपने देश का बना हुआ है इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं और इसमें UG के कोर्सेज हैं, PG के कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। डिफरेंट भाषाओं में है, यानी ऑनलाइन लर्निंग का जो मटेरियल पार्ट हमारे पास है, ऑनलाइन लर्निंग का जो टीचिंग वाला पार्ट हमारे पास है, इसके साथ जो वीडियोज हमारे पास चैनल्स पे उपलब्ध हैं, हम इसको अपने परंपरागत जो पाठ्यक्रम है
उन परंपरागत पाठ्यक्रमों में क्रेडिट के रूप में क्रेडिट ट्रांसफर करा सकते हैं। बहुत बड़ा चित्र हमारे पास, बहुत बड़ा परिवेश हमारे पास बना हुआ है और इस परिवेश को हम लोग देख करके हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अभी शायद वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा की थी अभी 15-20 दिन पहले कि देश में 100 ऐसे विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जो ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन देंगे, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के रूप में काम करेंगे। तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को ये परमिशन दी जा रही है। यानी अभी तक हम लोगों के यहाँ जनवरी 2020 में पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की अनुमति दी गई थी। वैसे 2008, 9 और 10 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षाएं कराई थी, लेकिन उसके बाद जो नियामक संस्थाएं हैं उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बंद कर दिया। और अभी पहली बार, चूंकि 2018 में इसका रेगुलेशन बना था और उस 2018 के रेगुलेशन के तहत प्रक्रियाएं हुई और प्रक्रियाओं में उन्होंने 2020 जनवरी से कुछ संस्थाओं को ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाने हेतु अनुमति दी थी। उसमें पहली बार जनवरी 20 में 7 संस्थानों को परमिशन मिली थी। उसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी एक संस्थान थी जिसको 3 पाठ्यक्रम चलाने का अवसर मिला था और 3 छोटे छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम थे। उसके बाद बाद में उन्होंने जैसे अभी 100 संस्थानों को परमिशन दे रहे हैं, वैसे हम लोग को भी उस नियम से एग्जेम्प्शन कर दिया और हम लोग भी अब ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला सकते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले 15 दिन पूर्व एमए हिंदी में ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कराया था। अभी वर्तमान में हम लोग 15 ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला रहे हैं और अभी जब नई 100 यूनिवर्सिटीज और आ जाएंगी तो निश्चित रूप से ये जो ऑनलाइन का एक माहौल है परीक्षाओं का, विशेष रूप से हम COVID-19 को देखते हैं तो एक घबराहट होती है कि किस प्रकार से हम परीक्षाएं करा पाएंगे, किस प्रकार से हम कक्षाओं में जा पाएंगे। तो इस घबराहट का एक बेहतर समाधान है जो ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती हैं, घर में भी हो सकती हैं। अभी तो शायद हमारे बच्चे टेक्निकली ट्रेंड भी नहीं हैं कि हम ऑनलाइन के रूप में कंप्यूटर पर बैठ करके सारी परीक्षाएं दे सकें, लेकिन धीरे धीरे समय की आवश्यकताओं के अनुसार, इसीलिए मैंने कहा कि उसमें पेन और पेपर इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और अभी जो अभी कल और आज के अखबारों में जो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि जो परंपरागत जो परीक्षा व्यवस्थाएं थी उससे बहुत दिक्कत आ रही है और शायद हम लोग इस बार परीक्षाएं नहीं करा पाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के पास कई बार लगता है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होते तो शायद हम लोग ऑनलाइन परीक्षाएं करा लेते हैं। पाश्चात्य देशों में बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर COVID-19 के दौरान ऑनलाइन परीक्षाएं करा ली गई हैं, लेकिन अपने यहां ऑनलाइन भी परीक्षाएं हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। तो एक जागरूकता की आवश्यकताएं हैं। ऑनलाइन हमारे पास पाठ्य सामग्री है, ऑनलाइन हमारे पास शिक्षण व्यवस्थाएं हैं जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही हैं। ऑडियो के रूप में ज्ञानवाणी एक स्टेशन है, उस ज्ञानवाणी के भी हम लोग के पास 37 स्टेशन थे और पूरे देश में अन्य विश्वविद्यालयों के पास भी इस तरह के स्टेशन हैं जो ऑडियो माध्यम से शिक्षण व्यवस्थाएं करते हैं। और वीडियो का हमने बताया था कि 33 चैनल्स ऑलरेडी स्वयंप्रभा के हैं जो स्वयंप्रभा के डिश टीवी के अंदर है और उसके तहत सारी कक्षाओं में पढ़ाई हो सकती है। अभी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें थोड़ा मैटर बहुत कमजोर है, लेकिन उच्च शिक्षा में ऑलरेडी हम लोग 2017 से काम कर रहे हैं और अभी जैसे ही ट्रांसलेशन का वाला पार्ट हमारा मजबूत हो जाएगा तो हम लोग शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से इनपुट दे पाएंगे। व्यूअरशिप भी हमारी बढ़ने लगी है। पहले COVID-19 के पहले न तो जागरूकता उतनी ज़्यादा थी और न ही उस पर लोग देखते जाते थे। अब लोग व्यूअरशिप जैसे जैसे पता लग रही है व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा की थी कि इग्नू का जो ज्ञान दर्शन चैनल है उसको सारे बच्चे देखें अपने कक्षाओं के संदर्भ में। तो जो पहले जागरूकता बिल्कुल नहीं थी वह जागरूकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करें, ऑनलाइन मेटेरियल को देखें। हमारे मोबाइल में ही सारा सारा मेटेरियल आ जाता है, चाहे YCMOU का मेटेरियल हो, चाहे इग्नू का मेटेरियल हो, इनके जो ई कंटेंट का ऐप है आपके छोटे से मोबाइल में सारा आ जाता है। आप है ना जूम पे बातचीत लोगों से कर सकते हैं, जो चैनल्स के मैटर हैं वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। आजकल फेसबुक लाइव से बहुत से लोग लेक्चर दे रहे हैं। अभी जैसे साठी जी बता रहे थे कि जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं पूरे देश में फेसबुक के माध्यम से कितनी दूर दूर तक जा रहा है और लोग बहुत आराम से इसको देख रहे हैं, और जो नहीं देख पाए हैं वो इसका वीडियो बाद में सुन लेते हैं। तो पूरा कंटेंट उपलब्ध है, मैटर उपलब्ध है, बातचीत उपलब्ध है, शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस मैटर का प्रयोग कर सकते हैं।
यह शायद आने वाले समय में बहुत जरूरी इसलिए भी होगा कि COVID-19 में जिन कमरों में हम 60 बच्चे बैठाते थे, अब अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात की तो 60 बच्चे नहीं बैठा सकते, 36 ही बैठाएंगे, तो 24 बच्चे कैसे पढ़ेंगे। या तो हम उसी टाइम टेबल में एक और सेक्शन लगाएंगे लेकिन टीचर्स बढ़ेंगे नहीं, तो हम कहेंगे कि कंटेंट जो पोर्शन है वो तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ लीजिए और बाकी आप क्लास में आके पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लासरूम पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को सप्लीमेंट भी करते रहना चाहिए। अगर हमने वहाँ पढ़ भी लिया तो कुछ चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन ये जो व्यवस्थाएँ हैं ऑनलाइन की ये सब रिकॉर्डेड है और सारी की सारी चीज़ें छात्र जब भी आवश्यकता होगी उसको पुनः पढ़ सकता है, पुनः समझ सकता है। अभी जो फेसबुक में जो बातें हम लोग अपनी बातें कह रहे हैं ये एक रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेंगे, कभी भी जब किसी को भी आवश्यकता रहेगी उसको देख सकता है, उसको सुन सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग कर सकता है। ये सारी बातें आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और स्वयं कोर्सेज की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोचिए कि जो संख्या हमारे पास पहले हजारों में होती थी अब हमारे पास करोड़ों में आने लगी अपने ही देश में, और हमें बाहर देश विदेश की किसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे हमारे ये जो प्रांतीय भाषाओं में कुछ हमारे वीडियोस बन जाएंगे तो इसका प्रचार और प्रसार बहुत अच्छा होगा। ज्ञान का एक बड़ा भंडार है, इस भंडार को हम लोग प्राप्त करें। NDL की लाइब्रेरी हमारे पास उपलब्ध है, 4 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें हैं, रिसर्च वर्क्स हैं, कहाँ इतना इतना ज्ञान है, उस ज्ञान को केवल देखें समझें और उसका अपने देश के हित में प्रयोग करें। आपने मुझे यह अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा, आपके प्रति बहुत बहुत हम आभारी हैं। मैं चूंकि यहाँ एक बाहर एक अन्य मीटिंग में बैठा हुआ हूँ इसलिए मैं आपसे अनुमति भी चाहूँगा कि मुझे इस वक्तव्य के बाद मुझे जाने की भी अनुमति दे दें, और अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं बाद में उसका जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी बहुत ही व्यस्त हूँ और एक बहुत ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पर मेरे पास समय बिल्कुल ही नहीं है। आप को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। सर बहुत धन्यवाद। मैं सभी पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स की ओर से प्रोफेसर नागेश्वर राव को धन्यवाद करता हूँ। आपने सर इतने व्यस्त समय में, आपने बताया भी था, समय निकाल कर आप कहीं और दूसरे ऑफिस में आए हैं लेकिन आप लाइव जुड़े और ये जो हम पैनल डिस्कशन अभी करने वाले हैं उसका पूरा एक बैकग्राउंड नोट आपने रखा, किस तरह से स्वयं में नंबर्स में एक चेंज आ रहा है, किस तरह से सरकार भी एक अलग सोच की तरफ से बढ़ रही है। तो आई थिंक इट सेट्स अ ग्रेट बैकग्राउंड फॉर दिस पैनल डिस्कशन। आई थैंक यू सो मच। आप चाहिए तो सर आप ये सर धन्यवाद। सो बाकी व्यूअर्स की ओर से भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सर आप प्रोफेसर नागेश्वर राव में टेक एग्जिट नाउ। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्राची साठे जी, और प्राची साठे जी ने महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग में काफ़ी काम किया हुआ है, वहाँ जो MIB करिकुलम आपने पूरा मेहनत से पूरा उसका सेटअप किया, शी लेड अ टीम टू गेट द न्यू करिकुलम इन प्लेस and right now she is working extensively on online learning, online education. तो अब मैं प्राची जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पैनल डिस्कशन का आगे मॉडरेशन करें। थैंक यू। धन्यवाद रवि जी, सभी का मैं एक बार स्वागत करती हूं और इस चर्चा सत्र को हम आगे लेके जाएंगे। नागेश्वर जी राव ने बहुत अच्छी तरह से उसकी बैकग्राउंड क्रिएट की और जो हमारे दिल में था ये अलग से और अचानक से आया हुआ प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने जो बताया कि स्वयं करके हमने जो प्लेटफॉर्म MHRD ने 2 साल से लॉन्च किया और उसके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी अच्छी तरह से शिक्षा ले रहे हैं, तो एक मन में फिर भी हमारे मन में 2-3 महीने से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये ऑनलाइन लर्निंग क्या है, यूनिवर्सिटीज कहाँ खड़ी है, किस तरह से हर एक यूनिवर्सिटी इसके बारे में सोच रही है। तो इस सभी प्रश्नों की चर्चा इस अगले 1 घंटे में हम करेंगे। मैं पहला प्रश्न रखना चाहूंगी कि ये तो एक नई, जैसे हम बोलते हैं दिस इज अ टोटली न्यू सर्ज और न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन फील्ड, ऑल आर थिंकिंग कि ये बहुत ही नया है और COVID-19 की वजह से ये एक फील्ड एजुकेशन सिस्टम में आ जाएगा और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये फेस-टू-फेस होगा, फेस-टू-फेस टोटली बंद होगा, ऑनलाइन ही एजुकेशन चालू रहेगा, ऑनलाइन
आगे जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? कि सो फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट टू मंदार भानुशे सर टू से योर और जस्ट से व्हाट यू एग्जैक्टली थिंक अबाउट इट. बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी, और एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर आज हम सब यहाँ पर एक चर्चा कर रहे हैं, और जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि न्यू नॉर्मल, कि कोविड 19 की वजह से सारे ऑनलाइन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट जिसे कहते हैं एक आ गया है, और लोग अभी ऑलमोस्ट ये मान रहे हैं कि नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और कुछ परसेप्शन ऐसे भी है कि ये रिवर्ट हो जाएगा. तो मैं थोड़ा कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ में एक दो तीन मिनट में अपना कुछ वक्तव्य यहाँ पर दूंगा, और भी पैनलिस्ट भी इसमें जोड़ेंगे बाद में. दुनिया भर में हम देखेंगे, भारत के साथ में ही लगभग 1.5 बिलियन स्कूल लेवल स्टूडेंट्स आर करेंटली आउट ऑफ देयर क्लासरूम्स, और 60 मिलियन से भी ज्यादा संख्या में हम देखेंगे तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज क्लासरूम के बाहर है पिछले चार महीने से या पांच महीने से, उससे भी ज्यादा शायद दिसंबर 19 अगर हम गिनते हैं तो उससे भी ज्यादा. तो ये एक वास्तविकता अभी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और आगे के छह महीने भी कम से कम हमको इसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा. नाउ विद दैट एज अ बैकग्राउंड, शायद आज ऐसे लगे कि बहुत एजुकेशन टेक्नोलॉजी में लोग आज बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पिछले तीन चार पांच साल का इतिहास देखेंगे, जैसे अभी नागेश्वर जी ने भी कहा, तो 2015 में हमारे यहाँ पर हमने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया MHRD के माध्यम से, और कोर्सेरा, EDX, Udemy ऐसे और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने के प्लेटफॉर्म्स, एंड इन एडिशन टू दैट डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स वेर देयर इन द मार्केट फॉर द लास्ट 4-5 years एंड दे वर ऑल्सो ऑन द सर्ज ऑफ इंक्रीज. तो एक अनुमान ऐसा है कि लगभग अगले पांच साल में 2022 से 25 के बीच तक 400 से 500 बिलियन डॉलर का ये पूरा कमर्शियल व्यवसाय बन सकता है. बायजूस ऐप है, आज हम जूम एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, और ऐसे डजन भर हम अगर नाम लेंगे तो लोगों को मार्केट में ये सारा अभी एक ऊपर आ गया है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के माध्यम से पिछले कुछ महीने में. लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस आप लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लीजिए, दे वेर ऑलरेडी अहेड एज फार एज पुटिंग देयर कोर्सेज ऑनलाइन, इंक्लूडिंग दी ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. हु वेर लैगिंग बिहाइंड वर दी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, वेर दे वेर स्टिल स्केप्टिकल वेदर when we are already meeting our students in the classroom face to face, then why there is a need to have an online mode. So ye abhi COVID-19 ne ye thoda mindset mein badal unke la diya hai aise hum samajhte hain, and they will be probably thinking ki abhi is mahol mein isko use karna hai to aage bhi use karenge to fayda hai ki nuksan hai, aage iske upar aur thode vistar mein hum zarur baat karenge. Ek aur aashanka isme main jod deta hu jo bahut logon ne vyakt ki hai कि COVID-19 पैंडेमिक विल widen द डिजिटल डिवाइड probably. तो ये कब होगा इफ इट इज नॉट एक्टेड ऑन प्रॉपरली, अगर हमने उसको ठीक से नहीं देखा, उसके ऊपर काम नहीं किया, पॉलिसी interventions नहीं किए, तो डेफिनेटली वो डिजिटल डिवाइड को और widen करने की संभावना है. एक इस पैंडेमिक ने और भी एक बहुत बड़ी चीज की है, वो है कि इट हैज कम्प्लीटली डिस्ट्रप्टेड द एजुकेशन सिस्टम which was already facing some kind of turbulence. जैसे हम देखेंगे स्कूल ड्रॉपआउट रेट्स जो है वो अमेरिका जैसे देश में भी लगभग 25% के आसपास है, भारत में 17-18% के पास में है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा 30% के नीचे है, और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी है जो हमारे सामने बहुत प्रश्न लेके खड़ी थी. ऐसी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का एक पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन का आना, ये एक डिस्ट्रप्शन जैसे हो गया है. लेकिन उसको जैसे हम कहते हैं कि एवरी चैलेंज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी, इसको अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेते हैं तो दोज यूनिवर्सिटीज हु हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी विल लैग बिहाइंड इन द फ्यूचर. ये हमने समझ लेना चाहिए कि जहां पर हमें टेक्नोलॉजी को अभी स्वीकार करने के लेवल पे अगर हम नहीं आए हैं तो दिस इज एनी वे गोइंग टू स्टे, और हम पीछे पड़ सकते हैं. एक ग्लोबली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है जिसको हम A3 कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एनीबडी एनी टाइम एनीवेयर. तो anybody should be able to learn at any place of choice and any time of choice. तो ये अगर होना है तो चार दीवारों के बीच का हमारा जो क्लासरूम एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर है उसके पार हमको जाना पड़ेगा, और ये भी तय करना पड़ेगा जो आज बहुत महत्वपूर्ण है कि what can be done inside the classroom and what all things can be done outside the classroom. The time has come to decide this new normal is going to stay
and it will grow definitely. You can't stop technology, but we have to decide whether we have to stay here and do or move ahead in the coming times. Thank you. Thank you, Mandar sir. आपने जो बोला कि न्यू नॉर्मल अकॉर्डिंग टू यू इट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल बट नाउ आई वुड लाइक टू नो मोर कमेंट्स फ्रॉम मधुलिका मैडम. आपकी राय हम इस विषय पे सुनना चाहते हैं. आपको मैं विनती करती हूँ मधुलिका मैडम प्लीज अनम्यूट योर मैम. प्राची आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे ये अवसर दिया और प्रबोधिनी का भी धन्यवाद. हमने बहुत अच्छे विचार नागेश्वर राव जी के सुने जिन्होंने इस पूरे डिस्कशन की टोन को सेट किया और अभी मैंने मंदार जी को सुना. बहुत सारे हमारे विचार इन सारी चीज़ों में मिलते जुलते होंगे क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड डिस्टेंस एजुकेशन और एक्सेस को बढ़ाने वाले हैं. अगर हम कोविड को कभी कभी हम ऐसे मोमेंट पे खड़े होते हैं जो हिस्ट्री का मोमेंट होता है. मुझे लगता है हम हायर एजुकेशन में एक हिस्टोरिकल मोमेंट पे खड़े हैं. अमंग अदर थिंग्स कोविड को हम एक समय में जाके याद करेंगे वो पॉइंट जो कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था इस देश में डिजिटल एजुकेशन के लिए कैटलिस्ट बनने का. ऐसा नहीं था कि इस देश में डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चल रही थी. हम लोगों ने प्रोफेसर राव को सुना कि कैसे इग्नू ने कितने समय पहले से ये सारे प्रयास शुरू कर दिए थे और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट इग्नू में बीता है 23 साल. तो काफी समय पहले से ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल कैंपस ये सारे इनिशिएटिव्स शुरू हो चुके थे. लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहूंगी कि कोविड की शुरुआत से बहुत पहले 2016 में KPMG की स्टडी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है आफ्टर द US. और उस समय उसको एस्टिमेट किया गया था कि वो $1.96 billion का मार्केट होगा. दिस इज बिफोर द कोविड. किसी ने नहीं सोचा था कि सभी ब्रिक एंड मोर्टार इंस्टीट्यूशंस को भी अल्टीमेटली ऑनलाइन में जाना पड़ेगा. तो अब तो ये मार्केट और भी बड़ा हो गया होगा. लेकिन अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहा कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज अपनी जगह डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह उसके बावजूद इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट इन द हायर एजुकेशन स्पेस अलोन वॉज एस्टिमेटेड टू बी $1.96 billion इन 2021. तो हम प्रैक्टिकली उसी जंक्चर पर हैं. उसके अलावा अगर हम अपनी पॉलिसी को देखें अगर इंडिया की अपनी पॉपुलेशन और हायर एजुकेशन में जितने एस्पिरेंट्स आने वाले हैं उसको देखें तो रेलिवेंट एज ग्रुप पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ 20,030 तक 2030 तक 142 मिलियन होने वाला है विच इज़ अ ह्यूज नंबर. और गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी के अनुसार हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्शंस है कि हमारा GER अभी 27-28% है जिसको हमें 2030 तक 50% ले जाना है. तो आप ये देखिए कि अगर उसको हम 50% कहते हैं तो हमारे पास 70 मिलियन एस्पिरेंट्स के लिए हमें प्रोविजन करना है. आज की प्रोविजन जो है उसमें हमें 40 मिलियन का एक्रीशन करना है. सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से अगर हम इसको सिर्फ ब्रिक एंड मोर्टर इंस्टीट्यूशंस में कन्वेंशनल इंस्टीट्यूट छोड़ें या फेस टू फेस एजुकेशन पे छोड़े तो हमें हर महीने 6 नई यूनिवर्सिटी और 260 नए कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे अगले 20 साल तक. विच इज हमारी रिसोर्सेज को देखते हुए फैकल्टी पोजिशन को देखते हुए इम्पॉसिबल है. देयरफॉर न्यू नॉर्मल कोविड और नो कोविड हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन एक रियलिटी बनने वाली है. और बहुत सारे लोग जो कंप्लीटली कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन है उनको भी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग को अपनाना पड़ेगा. इसके एक आध और कारण है जो कि इकोलॉजिकल कारण है. हमारी डेमोग्राफी जिस तरह की है अगर आप देखें कि आपके लर्नर्स कहाँ हैं ये जो एज ग्रुप पॉपुलेशन है अधिकतर ये ऑनलाइन मीडिया पे रहता है. सो यू हैव टू बी देयर वेयर योर लर्नर्स आर. अगर उनकी प्रेफरेंसेस इंफॉर्मेशन लेने की नॉलेज लेने की ऑनलाइन है तो हमें आगे पीछे ऑनलाइन प्रोविजन में जाना ही पड़ेगा. एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे नजर आता है कि हम अब उस एरा में आ गए हैं जहां लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी लाइफ का सत्य है. एक जमाना था जब लोग कॉलेज में अपनी डिग्री करते थे उसके बाद वर्ल्ड ऑफ वर्क में चले जाते थे. लेकिन वर्ल्ड ऑफ वर्क इतनी तेजी से चेंज हो रहा है और इतनी नई नई कॉम्पिटेंसीज डिमांड कर रहा है कि हर एक किसी को वापस कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई ना कोई नॉलेज एक्विजिशन करना पड़ता है. जो वर्कफोर्स में है उनके लिए
सबसे आसान तरीका है अपने ही सिस्टम्स में रहके ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा इनको प्राप्त करने का, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इतना बड़ा सत्य है कि हर अवेलेबल नॉलेज की हाफ लाइफ 6 साल से घट के 3 साल ही रह गई है। नई नई कॉम्पिटेंसीज की डिमांड है, इंडस्ट्री 4.0 आ गया है, इसलिए अब सब कहते हैं कि एजुकेशन भी 4.0 फेज में जाना चाहिए, जहां हमें लोग जहां हैं जिस भी जगह हैं उनको उन नॉलेज को उन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसका सबसे सफल माध्यम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन बन पाएगा। तो पर्सनली मुझे लगता है कि कोविड एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जिसकी वजह से ये कुछ तेजी से कैटलाइज हो गया, ये डेवलपमेंट, ये इसका समय आना ही था, क्योंकि आपके लर्नर्स जो हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, वो अधिकतर डिजिटल स्पेस में होते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस वहाँ की है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो माहौल है वो हमें पुश करेगा कि हम इस तरफ जाएं। लास्ट स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बाय 2030 हमारे पास वर्कफोर्स की, एजुकेटेड वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री बोथ इन द सर्विस सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रही है, वो 250 मिलियन नए लोग आपको चाहिए होंगे। उन लोगों को ट्रेन करने का आपके पास जब 70 मिलियन की एडिशनल कैपेसिटी के लिए रिसोर्सेज ब्रिक एंड मॉर्टर में नहीं होंगी, तो इतनी वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन आपके पास सबसे ज्यादा सुदृढ़ माध्यम है। तो मेरा अपना विचार इसी में यही है कि ऑनलाइन हमें जाना ही होगा, इवन दो हमें दोनों की जरूरत है, फेस टू फेस चलता रहेगा, उनको भी कुछ ना कुछ ब्लेंडेड लर्निंग फॉर्म्स लेने पड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मधुरिका मैडम। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिश्रा सर जी, आपके विचार सामने प्रस्तुत रखें। क्या लगता है आपको, ये न्यू नॉर्मल ट्रेंड बढ़ता रहेगा या हम फिर से अपने नॉर्मल एजुकेशन की ओर जाएंगे? मिश्रा सर जी। थैंक यू काची सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार ऑन द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। मेरे विचार से, क्योंकि मैं दो हैट्स पहन के आज वेबिनार में आया हूँ, एक तो मेरा जो 40 इयर्स का आर्मी का एक्सपीरियंस है, और पिछले 5 साल से मैं एकेडमिक्स में आया हूँ जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज में रहा हूँ, 3 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर या डीजी, और ये नया यूनिवर्सिटी में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। सबसे पहले तो ये न्यू नॉर्मल जो एक नया शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ। अगर ये न्यू नॉर्मल है तो इसके मतलब पहले कोई चीज नॉर्मल नहीं थी, ये आगे इसके बाद नॉर्मल नहीं होगी, तो ये मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आता है। जो मैं कहूंगा कि नॉलेज इज पावर, जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एंड द पावर ऑफ आइडिया एंड टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग एवरी वन, ऑल लाइफ एंड एवरी एक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड। तो मैं कहूंगा कि जो मैंने यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है किया है, इट इज द स्ट्रैटेजिक चॉइस वी आर मेकिंग, एंड नॉट जस्ट ऑनलाइन बट द टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग। सो इफ आई वॉज टू गिवन अ चॉइस, टूडेज टॉपिक आई वुड कॉल द नेसेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग इन इंडिया। अभी मैं कुछ कहना चाहूंगा, 21st century इज कॉल्ड the year of or the century of technology. अब technology ऐसा है जितना कि मनुष्य जितना है उतना सही ही technology भी आई है, और कोई भी technology है it has got two uses, civil use and military use, and most of the inventions in technology which are even today we are exploiting, they were first invented for the military use. Just to give example, जैसे कि रेडियो, इंटरनेट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे है, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और इवन द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है, ये सब पहले मिलिट्री यूज के लिए आए थे और बाद में इसको हम सिविल यूज में या पढ़ाई के लिए या सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो जो हमने अपनी बंगलायतन यूनिवर्सिटी में जो है कि ये जो स्ट्रैटेजिक चॉइस की है कि हम टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन है उसको बढ़ावा देंगे, और जिससे कि हम इसको सभी को इसका फायदा ले सके और ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सके, तो वो हम करेंगे। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि कोविड
एंड ऑनलाइन, ये एक बड़ा नैरो व्यू हम लेंगे अगर देखा जाए. आफ्टर ऑल इन द मंथ ऑफ मार्च एग्जाम और सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पूरा होने वाला था, उसी टाइम पे लॉकडाउन आ गया. तो हम लोगों ने बड़े एडहॉक मैनर में कहा कि चलो कोर्स पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं है सेमेस्टर या फाइनल ईयर के, उनका तो एग्जाम होगा और बाकी को हम प्रमोट कर देंगे, ऐसा करके लिया गया. तो ये कि जो बड़ा एडहॉक में किया गया है, और बल्कि मैं कहूँगा जो क्लासेस भी लिए गए, हालांकि बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने अपने स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस ऑनलाइन करके पूरा कर लिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके लिए तैयारी नहीं थी. हम जहाँ की तक आप अगर जो अपना फैकल्टी ले, तो उनको भी अपने को रीस्किल और अपस्किल करने की जरूरत है. स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पास में वेयरविदॉल नहीं था जैसे कि लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो जिसे वो कर सके, और सबसे जरूरी है कि जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है वो नहीं था. तो ये तो मैं कहूँगा केवल जैसे हम आर्मी में बोलते हैं कि फौरी इलाज या रफ एंड रेडी करके हम लोगों ने ये काम किया था. तो ये अभी मैं आऊँगा कि हमको क्या करने का है. तो इसका मैं फिर एग्जाम्पल आर्मी से लूंगा, और जिसकी आजकल चर्चा भी हो रही है, जैसे कि हमने कहा कि हमने स्ट्रैटेजिक चॉइस किया है, और मेरे को ये वर्ड स्ट्रैटेजी, क्योंकि मिलिट्री बैकग्राउंड से मैं 40 ईयर से, तो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स और ऑपरेशन ये आम तौर से मेरे को शब्द है. तो जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको पता करने की, हालात क्या है. अब जैसे ये लद्दाख में जो हुआ है, जिस तरह से चाइना और इंडिया का लड़ाई हुआ है, अगर इसी कोई 15 जून से पहले कोई पूछता, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सोचता, कोई नहीं सोच सकता है. तो क्या हम कहेंगे कि यह कोई न्यू नॉर्मल होगा? नहीं होगा. तो ये है कि अगर हम पूरा इस पे सोच करें और पूरे ढंग से जाएं कि गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज है, जो उन्होंने कहा कि 100 यूनिवर्सिटीज हैं वो भी ऑनलाइन का डिग्री दे सकते हैं, उसके लिए उनको फंड्स का भी दिया जा रहा है, और कैसे वो करेंगे, तो ये देखते हुए अभी इसमें काफी कुछ करने का जरूरत है, हर एक उसमें करने का है. तो मेरा जो कहने का है, और इसके आगे जब मौका मिलेगा अब मैं वापस आऊंगा, जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, तो उसके पर बात करूंगा, तब आपके साथ इसको मैं जोड़ करूंगा. तो अभी के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ. धन्यवाद सर जी, आपने एक अलग विचार सबके सामने प्रस्तुत किए. मैं वायुनंदन सर जी से अनुरोध करूंगी कि आपके विचार क्या है, किस तरह से यू न्यू नॉर्मल को आप क्या सोचते हैं उसके बारे में. सर आप अनम्यूट कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ. नमस्कार. नमस्कार सर. आदरणीय नागेश राव जी ने काफी ये ऑनलाइन के बारे में पूरा जानकारी दिए थे. उसके बाद मधुलिका कौशिक और मनेंद्र बंसी जी भी उसने भी बताया ऑनलाइन के बारे में. थोड़ा मैं ये जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग से शुरू करता हूँ, मैं इस जानकारी तो होना चाहिए अपन को. व्हेन वी स्टार्टेड ओपन डिस्टेंस लर्निंग दैट इज ओपन यूनिवर्सिटीज, हमने बोला जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज है ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये इट इज अ पार्ट, इट इज आई मीन इट्स एन इंटीग्रेटेड मॉडल, बोथ ऑनलाइन सॉरी ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज विल गो साइड बाय साइड. तो हमारा वो लक्ष्य था, वी विल यूज मल्टीमीडिया. वही जमाने में हमारा प्रिंट मटेरियल को वी यूज टू इंटीग्रेट विद ऑडियो वीडियो कैसेट्स, अलग से ऑडियो बनाते थे और वीडियो भी बनाते थे. तो ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट जो अभी आ रहा है ना, ब्लेंडेड मोड में है ना, 40% जो आप ऑडियो ऑनलाइन होना है, 60% फेस टू फेस होना है, तो वो हो रहा था. उसके बाद इसरो ने एजुकेशनल सैटेलाइट शुरू करके बैंडविड्थ इग्नो को दिया था, और इग्नो और YCMOI को. वो बैंडविड्थ से हम लोग क्या करते थे, स्टडी सेंटर से एंटीना से उसको वन वे वीडियो टू वे ऑडियो में वो रिले करते थे. तो दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टू हैव ऑनलाइन इन द सेंस एक वीडियो काउंसलिंग होता था स्टडी सेंटर्स में. देन लेटर वो सैटेलाइट का थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर वो रिस्टोर हुआ, कुछ लोग शुरू किए
इग्नो एक साल के गैप में उसको शुरू किया, फिर बाद में इग्नो को ज्ञान दर्शन मिला, बाकी काफी चैनल्स मिले. YCMU did not start that bandwidth, but now we are processing. Abhi, suddenly we have the COVID situation. अब COVID situation में अब YCMU के पास आए तो far, far ahead on online. I mean, that is the greatest thing about Maharashtra State Open University. Even IGNO was not that forward. आपको आज की भी pre-COVID situation में देखे तो we have online admission. Entire our admission process is online. I'm talking about pre-COVID situation. And even all our course material is in PDF form on our website. And the other very important is our entrance test, B.Ed, PhD, MBA was online. And all you may be surprised, our examination paper, question paper goes online to our 800 examination centers. And main IGNO se aaya hu 30 saal kaam karke, hamara examination process kali kya bolte paper, jo question paper ka jo setting, uska printing, usko phir post office wale aake ek mahine 15 din baith ke usko post karna different centers ko. Here simply on click, just 1 hour before the examination, all our question papers goes to the examination centers. So, ये जो अभी examination process है, it is not completely digitalized, but ये semi-digitalized. जो examination जो answer scripts are barcoded, वो examination papers will come to Nashik. They are scanned and they are uploaded to the computer and the goes to the evaluation center. All the evaluators come to the evaluation centers and evaluate on the computer. And the same day, we get the marks. So. ऐसा नहीं है अपन ऑनलाइन का इतना अभी कोविड वजह से अपन ये कर रहे वो कर रहे, इट इज ऑलरेडी देयर इन सम ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटीज. सो दिस इज व्हाट एंड वी हैड 971 ऑडियो प्रोग्राम्स एंड वी हैव ए 24 आवर्स वेब रेडियो व्हिच गोस ऑन फॉर एवर 24 वेरियस आवर कोर्सेस. आई मीन वी यूज्ड टू हैव ऑलमोस्ट अराउंड 380 वीडियो प्रोग्राम. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड सिचुएशन. Now coming to the post COVID, yes, you all know that because of the, as rightly said by our Pradhan Mantri ji, Narendra Modi ji bola, convert this crisis into opportunities. So humne aaj usko dekhe, no doubt by March we have completed all the counseling sessions which takes place to face in the study centers, about 2000 study centers around Maharashtra. Uske baad humne kya kiya, just kuch koi planning tha, humne ek मुंबई रीजनल सेंटर से हमने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू किया जस्ट टू सी हाउ इट विल टेक इट अप. टुडे आफ्टर 2.5 months वी हैव कंडक्टेड 8,000 काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन फ्रॉम डिफरेंट रीजनल सेंटर्स थ्रू आउट महाराष्ट्र. एज राइटली वाज ऑब्जर्व्ड बाय नागेश्वर राव, जो पार्टिसिपेशन जो काउंसलिंग में होता है फेस टू फेस स्टडी सेंटर पे, हार्डली 10-20% स्टूडेंट्स विल टर्न अप. बट इन द कोविड सिचुएशन ऑनलाइन काउंसलिंग में जो जूम से हमने शुरू किया 40 मिनट का, उसमें ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट्स अटेंडेड. सो इट इज अ रिकॉर्ड एंड नोवेयर इन इंडिया हु हैज कंडक्टेड 8,000 व्हाट यू कॉल्ड ऑनलाइन काउंसलिंग सेक्शन. सो दिस इज व्हाट आई थिंक इट इज ऑल. आई मीन वी ऑल्सो जॉइन द COL ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग for in COVID situation mein international partnership on distance online learning for COVID-19, and this is what I think we have doing in this, because post, I mean we cannot say post COVID ka kab hai, lekin abhi during COVID mein humne ye kaam kiya. Aur ek baat hai, this is what we have to vary. I mean now we are planning to convert, already we have PDF form of course material on our website. Now we are almost converting into e-content by which we can save around 20 crores in printing of print material, that is learning material. This is one thing we can, because of the COVID, this opportunity has come to us. And earlier, I think Nagesh Rawji also tried when he was the Vice Chancellor of Uttarakhand Open University, he said that people who wanted to have e-content, their fees will be lessened. People who want this, printed material from the, so here I think we can tell the student, now students have been, unko aadat ho gaya abhi
ई कंटेंट को पढ़ना, ई पेपर पढ़ना, तो उसको अभी ये आदत करके अपन भी एक 20 करोड़ का सेव कर सकते, प्रिंटिंग पेपर को भी सेव कर सकते और पैसे भी सेव कर सकते। और दूसरी बात है, आई थिंक ऑलमोस्ट आई मीन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज नाउ वी सी, आई फॉरगॉट टू टेल, दिस इज आवर न्यू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यू हैव सीन आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम माय ऑफिस टू दिस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वी आर डेवलपिंग ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू लॉन्च ऑनलाइन कोर्सेस। So this is yet, I mean, not completed, but I thought that today we'll see how best we can go. So this is what this we have created in our university. So this is, I think, what we are, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन का जो है हमारा, जो आपको मालूम है गाना गंगा गरो गोरी रीचिंग द अनरीच्ड, हमारा स्टूडेंट्स मोस्टली फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड होता है, ऐसा नहीं दे आर नॉट कनेक्टेड विथ टेक्नोलॉजी, दे आर दी अर्बन वाले से ज़्यादा वो लोग कनेक्टेड है। हमारा ऑनलाइन एडमिशन में हमारे को किसी जगह प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन मुंबई पुणे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है, वो बोलते हैं सर वो ये हो गया, स्टक हो गया, ये हो गया। लेकिन हमारा रूरल साइड जो स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं 60% हमारे को कोई प्रॉब्लम होता है। हमारे को एवरी ईयर 6,50,000 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं हमारा यूनिवर्सिटी का। सो ये अभी हम ऑल मीटिंग्स अभी कोविड वजह से वी आर कंडक्टिंग ऑन ऑनलाइन। सो नो डाउट one thing we have to be very very clear in this contest, what I understand, no doubt today we have on a pilot basis MBA entrance test from home bolke hum MKCL Maharashtra Knowledge Corporation limited se unke sath milke humne shuru kiya just pilot basis mein. Today in 15 days 3000 students have enrolled for this entrance test from home. So ये एक अच्छी, अभी हमने सोचा नहीं इतना डिमांड आएगा। सो इट इज़ अ समथिंग सॉफ्टवेयर, वो घर के अंदर ही लिखेगा, वो कैमरे दिखता है, कैमरे के पास इधर उधर हो गया तो उसका एग्जाम कैंसिल हो। सो वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बट थिंग इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज ओपन यूनिवर्सिटीज आर ऑलरेडी इन दिस ऑनलाइन, एज राइटली अर्लियर वॉज ऑब्जर्व बाई नागेश्वर जी, अभी तक अमार को ऑनलाइन का परमिशन नहीं दिया ओपन यूनिवर्सिटीज, एक्सेप्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दे आर स्टिल दैट रेगुलेशन हैज टू ऑलरेडी 2018 रेगुलेशन इज देयर, बट फॉर अ न्यू सम आई थिंक अमेंडमेंट्स टू स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ओपन स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, दे हैव आई थिंक द MHRD सेक्रेटरी हैड अ मीटिंग विद ऑल ओपन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर एंड सेड दैट जो वो एक क्लॉज था एलिजिबिलिटी क्लॉज, जो NAC का जो रैंकिंग वो आपको विड्रॉ कर लेंगे, आप लोग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी तक तो ऑफिशियली कुछ आए नहीं, मनाईश्वर जी चेयरमैन थे वो कमिटी का, आए तो हम देखेंगे वो ऑनलाइन कोर्सेस कौन सा हो सकता है। ऐसा नहीं है सब ऑनलाइन में लगाना है, यू हैव टू बी वेरी एक बार रिसर्च करके करना। हमने एक छोटा सा अभी एग्रीकल्चर हमारा पास ये है कृषि विज्ञान केंद्र है, वी हैव अबाउट 22,000 स्टूडेंट्स हु जॉइन एवरी ईयर, हमने एक हाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ पॉली हाउस, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्म, ऐसा में ऑनलाइन हो सकता है। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर टारगेट ग्रुप और जो कौन सा कोर्सेस अपन ऑनलाइन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं सब अभी दुनिया पूरा ऑनलाइन में जा रहे, अपन भी ऑनलाइन में जाना, ऐसा कोई नहीं है। सी एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन स्पेस, नो डाउट दिस हैज स्पेस हैज क्रिएटेड सर्टन प्रॉब्लम्स, नेचुरली वी आर यूजिंग दिस ऑनलाइन प्रोसेस। That does not mean that face to face को कोई काम ही नहीं है अभी। See face to face teacher is teacher, teacher को कोई replace नहीं करता। हमारा गुरुजी बोलते थे प्रोफेसर लेट जी राम रेड्डी, tool is tool, don't make the tool master। तो इसी वातावरण अपन इंडिया is a, I mean आपको मालूम है इंडिया इतना बड़ा स्पेस है, उसमें आपको वैरायटी किसी वर्ल्ड में नहीं मिलता है। आपको एक जगह ड्राउट होता है, एक जगह बारिश होता है, एक जगह ड्राई होता है, एक जगह बारिश होता है। I mean, this is in the same manner we have different sections of this society and it's a big place. So aap Maharashtra mein culturally different hai, so I see aapne dekh ke apan very cautiously we have to go. Aise nahi sab jagah online are abhi hum kulaguru meeting hota hai Maharashtra ka, sab log hai sir hum to ready, hum ye hai wo ready hai, please we have to be very very careful to go on online in certain areas. Where we have to go, we have to be very clear. And like rightly said by Manander, that digital divide is there. You cannot, now I was taking a walk in my campus. There are few families, tribal
ट्राइबल इन माय आई मीन डी क्वार्टर्स देयर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन आश्रम स्कूल. वो एक बच्ची आती है पांच क्लास का, सर हमारा अभी ऑनलाइन का आ रहा है कंप्यूटर, कैसा हमको. मैं बोला डोंट वरी, मैं हमारा लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में उनको बिठा के, छह लोग हैं लाइब्रेरी में बिठा के उनका, लेकिन एक्सेस नहीं है. यू हैव टू सी दैट. तो आप अपन रनिंग नहीं करना, अरे ऑनलाइन ऑनलाइन सब जगह देखो ऑनलाइन, नहीं प्लीज सी एवरी सिस्टम हैज टू हैज इट्स ओन. सो वी हैव टू इंटीग्रेट, लाइक हमने इंटीग्रेट किया मल्टीमीडिया, वो देखना है. सब लोग भाग रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन, इधर से उधर, ऊपर से इतने नीचे, ऐसा नहीं मैडम. नो डाउट दिस सिचुएशन हैज क्रिएटेड ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस वी हैव टू इंटीग्रेट. वेरी ट्रू सर. प्लीज दैट इज माय हंबल एज एन एक्सपीरियंस टीचर सर. आई थिंक YCUMO हैज पुट अ वेरी गुड रोल मॉडल फॉर इंडिया कि आपने इतने सालों से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी तरह महाराष्ट्र में, because I also experienced both बार आए आपने. Yeah, so now I'll move ahead. मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो सर ने थोड़ा सा उसका जिक्र किया कि थोड़ा सा डर है कि फेस टू फेस टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग. ऑनलाइन टीचिंग में जो फेस टू फेस हम एक्सपीरियंस करते हैं टीचर स्टूडेंट्स उनका रिलेशन, तो वॉट आर द बेनिफिट्स एंड वॉट आर द चैलेंजेस इन फेस टू फेस एंड इन ऑनलाइन. तो सम ऑनलाइन में कुछ चैलेंजेस है फेस टू फेस में जो होता है, जो रिलेशन मेंटेन होता है, टीचर सामने होती है, स्टूडेंट्स कैन एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स कैन आस्क इमीडिएटली एंड एवरीथिंग. सो आई वुड लाइक टू नो द व्यूज ऑन दिस टॉपिक, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फेस टू फेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन ऑनलाइन ऑल्सो एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑल्सो इन ऑनलाइन एजुकेशन एंड हाउ वी कैन मूव अहेड. सो आई फर्स्ट रिक्वेस्ट मंदार भानुशे सर, आपको अनुरोध करूंगी, आपके विचार इस बारे में क्या है? धन्यवाद प्राची जी, और एक अच्छा माहौल इस चर्चा में हम लाए हैं और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के बारे में अच्छी हम सब बातें कर रहे हैं. आपका ये सवाल भी उसी से जुड़ा है और बहुत ही इट इज अ वेरी एप्ट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एज फार एज वी कंसिडर द ऑनलाइन वर्सेज फेस टू फेस. बेसिकली इट इज नॉट ऑनलाइन वर्सेज बट हाउ ईच अदर बोथ ऑफ देम कैन सप्लीमेंट ईच अदर और कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आई फील. एंड इफ यू वॉन्ट टू लिस्ट आउट व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मॉडल, then we can list out a few things and I will not elaborate because all of us are able to understand the details of that. So just to speak as per point wise, one thing is, one benefit is that it will create a new hybrid model in the education, and that hybrid model is what Vayunandan sir also was talking about, the blended learning. And that is what the conventional university system has to accept, that this is a new hybrid model in which we have to take the education 4.0. It is going to change the way of teaching also. The way we have been teaching in the classrooms, now it has to be changed. So we have, the teachers also have to get equipped and the skills also have to be enhanced of the teachers so that they cope up with the new coming model in the education 4.0. It will enable the to reach out to a larger number of students more effectively and efficiently. So again, if you take the examples of IGNU and YCMU, basically we are again talking about open universities, because for a large period of time they have been working in this area to reach the unreached. Very effective, structured way of teaching learning can happen, and there are a lot of researches which people have done, which the results are very positive, and they say that if we use the e-learning tool and technology to supplement your face-to-face classroom teaching learning, it is definitely going to be productive. It is the right time to make everybody understand who is there in the education the importance of this blended learning. Open educational resources, it's a big beneficial area for all of us. Millions of resources have been created by teachers and facilitators, instructors around the world. This kind of e-learning, online learning is available 24/7. So a learner can have a self-paced learning. We can definitely do continuous evaluation, which we are not able to do in a face-to-face mode. Face-to-face mode only does a mid-semester and semester-end examination. What happens between these two is never evaluated. Phase-wise exit
is also possible if you do online learning, as our professor Nageshwar Rao said, that certain skills can be taken in through different courses which are available online, and the students can exit, which is also made a point in the national education policy. Moreover, we talk about the flexi learning, which is missing in the conventional mode. Our conventional mode is quite rigid as compared to the open system. Therefore, flexi learning is what is going to be enhanced, and it is the benefit of using online learning. As compared to that, what are the challenges? I'll just list a few challenges for discussion. If we do it in an unplanned manner and in a hasty manner, it is not going to be effective. There is a lack of analysis and research India-based. So what research has been done in USA or in UK should not be exactly made applicable. It will show you a trend, but then there has to be a local research and analysis, need analysis, which has to be done when we are making online as completely open to everybody through various kind of policy interventions also. Lack of training of teachers to create e-content, to create online courses. I'm talking in the larger context because we are talking about the entire education system, not only the open system. Insufficient bandwidth and connectivity issues. Very little preparation and making it open for everybody. So this will result in a poor experience as far as the students are concerned and may not be conducive for a sustained growth. Students without having a complete internet access and access to technology, they will struggle to play their role and get themselves engaged into this. So that also has to be thought of. Open licenses, creative working in the area of open licenses, IPR related issues. So when we are bringing out the content in the public domain, we have to take care of the licenses part also. Change in attitude, rigidity in the public universities. So that is a challenge in front of us. And finally, all of us are talking about online courses. Let us do a study of the completion rate of these online courses on Swayam, on Coursera, on EDX, on Udemy. There is a research which was done earlier, which talked about that pre-plan intervention will make the completion rate higher. A recent 50 courses from MIT professor has shown that also is not working. The completion rate is not as to the mark. So this is again a challenge in front of us. Thank you. I think the planning and research, what you have mentioned, these two points are really very, very important, and the flexi learning model. So really we have to think on these points. Now I will request Madhulika madam to say and aapke vichar is bare mein prastut kijiye. Thank you, Prachi. I'm really enjoying this because such nice different views from different participants are coming, and all of this is adding to our understanding of the unfolding future. Now all of us who are sitting around this table are products of the face-to-face system. We've spent part in conventional education, and part of our careers have gone into. So this is a group which has got experiences across both paradigms, and we are very familiar of there are very, very distinct advantages of face-to-face system in the sense that learning from the teacher, taking the teacher as a role model, the kind of interaction between peers that can be in real time and face to face. But that would only happen if there is a real involvement of the learners in the classroom. Now, over a period of time, one reason or the other, that has been eroding and so on. To my own mind, the biggest benefit of an online system is the sheer scale of access, quality, and cost. I mean, the kind of educational tasks we have in higher education in India, and I did talk about the statistics earlier, the task is too huge. I mean, we probably will not be able to do justice to this aspiration for higher education only by going through face-to-face education. So the only route out to us is blended learning. Some institution could be completely online and distance education. And by the way, I don't make a real distinction between distance education and online. Online is one of the points in continuum of the distance education mode. Therefore, we need to look at both. I mean, those who can, those who think that this is the mode for them should go in for face-to-face. There are distinct advantages there. At the same time, we simply cannot address the task and challenge of education and the scale of education only by face-to-face. Therefore, the biggest advantage of online is the sheer scale and scope of it. So you can solve your problem of access to resources in higher education by going online. Because the nature of the presentation is so public, whatever is happening, this seminar that is happening here, anybody can view it.
people can look at and say, what are these people talking, and actually evaluate us. So because the nature of the presentation is so public, there is a certain quality consciousness that always goes into it, because anybody can look at you and evaluate you. Of course, the cost of reaching to millions, because we are looking at cost per learner, the cost becomes drastically low. Of course, in terms of initial capital outlay, it is very high. But if you divide it by the numbers of learners who are getting it, look at the cost of Swayam per learner, it's amazingly low, and still you're getting quality education. So those three, the iron triangle of higher education, are the biggest advantages that I personally see. The other things that you see is, in face-to-face learning, you have a certain fixed curriculum, there's a certain fixed hour and so on, and therefore there is very little flexibility on the basis of learner capabilities. Because these are more learner-oriented system, you can have more customizability and more flexibility. क्योंकि बहुत सारा डेटा निकल के आता है जब ऑनलाइन एजुकेशन चल रही होती है. अभी मंदार साहब ने बताया कि हम ऑनलाइन असेसमेंट भी कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि लर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होती, लर्निंग कंटिन्यूअल होती रहती है. तो अच्छा ये है कि उसके असेसमेंट भी हम कंटिन्यूअली करते रहें. फेस टू फेस एजुकेशन में वो पॉसिबल कम होता है क्योंकि उसके कॉस्ट बहुत बढ़ जाएंगे. यहाँ पर ये पॉसिबल है, लर्नर के रिस्पॉन्सेज से, उनके पार्टिसिपेशन से उनकी इवैल्यूएशन की जा सकती है. साथ ही साथ हम उनको टेस्ट डिवाइसेस दे सकते हैं. उसकी वजह से, क्योंकि इतना सारा डेटा जनरेट होता रहता है, हम एक्चुअली लर्निंग को ज्यादा पर्सनलाइज, इनपुट्स कस्टमाइज करके दे सकते हैं, और ब्राइटर लर्नर के लिए ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस, एंड देयरफॉर वी कैन हैव लेट ईच लर्नर लर्न एट हिज ओन पेस. दैट इज अ बिग एडवांटेज. इस देश में हमारे पास, हम हमेशा बात करते हैं क्वालिटी रिसोर्सेज की कमी है, फैकल्टी की कमी है. जब आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो आपकी इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज आपके लिए बाधक नहीं रहती हैं, आप रिसोर्सेज कहीं से भी ले सकते हैं. जैसे अभी बात हो रही थी ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला की, वहां पे इतनी सारी रिसोर्सेज, जब आप अपना कोर्स पढ़ा रहे हैं तो आप उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. मंदार साहब ने ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की बात की, हम उनको यूज कर सकते हैं. आप लोगों को पता ही होगा 29.5 बिलियन ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इन द हायर एजुकेशन स्पेस अवेलेबल हैं, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आर लाइसेंस फ्री, आई मीन आर अंडर एन ओपन लाइसेंस. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको फेस टू फेस में यूज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक ब्लेंडेड लर्निंग मोड की तरफ ही जाना होगा अगर हमें इंडिया का जो इतना बड़ा चैलेंज है, इतनी सारी हायर एजुकेशन एस्पिरेशन को यूज करने का, उसको हमें सक्सेसफुली मीट करना है, और अपने जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसको एक रियल एडवांटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें लोगों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन मोड का प्रयोग करना होगा. मंदार साहब ने जिन चैलेंजेस की बात की, मैं उनमें से सिर्फ एक दो के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहूंगी. एक बड़ा चैलेंज जो है कि अभी क्या हुआ कि जब कोविड के परिप्रेक्ष्य में सबको इमीडिएटली ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी पड़ी, तो लोगों ने, मतलब काफी सारे लोगों ने ऐसा किया कि ऑनलाइन एजुकेशन की सारी फैसिलिटेशन को यूज ना करते हुए सिर्फ इसको एक डिलीवरी माध्यम बना लिया. मतलब टीचर वही है, वैसा ही प्रेजेंटेशन कर रहा है, और क्लास चल रही है, और वो लेक्चर चल रहा है. सो ऑनलाइन बिकेम एन ऑनलाइन डिलीवरी ओनली. हमें उसकी पूरी फैसिलिटेशन को आत्मसात करना पड़ेगा. मतलब ऑनलाइन असेसमेंट जो चल रहा है, कस्टमाइजेशन जो चल रहा है, डिफरेंट लर्नर्स की क्वेरीज को इन्वाइट करना, उन क्वेरीज को साथ में या सेशन के बाद में एड्रेस करना, और अपना एक समय निर्धारित करना कि विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स सारे लर्नर्स की क्वेरीज चली जाएंगी. लर्नर्स को आपस में एंगेज करना, उनके लिए थ्रेडेड डिस्कशंस फॉलो करना, जिसको कहते हैं लर्नर इन्वॉल्वमेंट, वो सारे जो एडवांटेजेस हैं वो यूज नहीं हुए क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत जल्दी में किया था. तो पहला चैलेंज ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन को उसकी कंप्लीटनेस में समझना और उस तरह से उसको यूज करना. दूसरा चैलेंज है फैकल्टी की प्रिपेयर्डनेस. अभी क्योंकि सिर पे पड़ी थी इसलिए जल्दी जल्दी सब लोगों ने इसको किया और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर इसको हम एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर की तरह करना चाहते हैं तो फैकल्टी की कैपेसिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, जितने एम्पावरमेंट है उनके पास अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, डिफरेंट तरह के टूल्स की वजह से, डिफरेंट प्रेजेंटेशन मोड्स की वजह से और डिफरेंट टेस्टिंग मोड्स की वजह से, उन सारों को यूज करने की कैपेबिलिटी होने के लिए हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए. अच्छी बात है कि ट्रेनिंग भी ऑनलाइन हो सकती है. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अपनी फैकल्टी को, इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हमारा एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहा है. हम लोगों को लर्निंग आउटकम्स के बारे में ऑनलाइन
रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में ट्रेन कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ऑनलाइन प्रोग्राम जब आप शुरू कर देते हैं तो लर्नर को कंटिन्यूअली एंगेज कैसे रखा जाए। अभी डॉक्टर मंदार ने कहा कि कंप्लीशन रेट ऑनलाइन प्रोग्राम्स की काफी पुअर है, उसका कारण यही कि लोग एनरोल कर लेते हैं बड़े एक्साइट होके, लेकिन धीरे धीरे उसका जितना टाइम चाहिए वो नहीं दे पाते और धीरे धीरे डिसएंगेज होने लगते हैं। तो अब हमें एज टीचर्स ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्लासरूम में लर्नर को लगातार एंगेज कैसे रखना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम क्या करें और अधिकतर लर्नर्स को उसके परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए क्या हमें करना चाहिए। तो ये सारी जो गतिविधियां ये एक बड़ा चैलेंज है। और आखिरी बात, क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन में अभी रिलेटिवली नए हैं कंपेयर टू दूसरे देशों के, मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज अपने काम करती रही हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्पेशली मेरे अपने एरिया में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन प्रोग्राम्स करती रही हैं। आई एम बैंगलोर ने बहुत अच्छा ऑनलाइन इनिशिएटिव बहुत पहले शुरू कर दिया था, आई एम कोझिकोड ने शुरू कर दिया था, परंतु हमें इसको फ्रॉम द रेगुलेटर साइड, मैं समझती हूँ कि रेगुलेटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती कि ऑनलाइन के नाम पर कोई उल्टा सीधा ना पढ़ाए, लोअर क्वालिटी मटेरियल ना चला जाए, लेकिन फिर भी एक चैलेंज ये कि हमें इस समय में, क्योंकि हमें इतना बड़ा चैलेंज को फेस करना है, इतने बड़े नंबर्स को एड्रेस करना है, अप्रोच फैसिलिटेशन की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करने की होनी चाहिए, ना कि ओवर रेगुलेशन की। डॉक्टर वायुनंदन ने इस पर इंगित किया था कि ओपन यूनिवर्सिटीज स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी प्रकार अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आपके द्वारा अप्रूव की भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको ओवर रेगुलेट ना करके फैसिलिटेट करके ई लर्निंग के लिए तैयार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान की यूथ इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस, द वर्ड आई लाइक मोस्ट, की जो मटेरियल हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो वी हैव टू बी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। वुड लाइक टू नाउ मिश्रा सर जी, आप से मैं अनुरोध करती हूँ कि आपके विचार क्या है, क्या चैलेंजेस है और किस तरह से हमें ये बेनिफिशियरी है ऑनलाइन लर्निंग। मिश्रा सर जी आप अनम्यूट करिए, तो विनती करती हूँ। थैंक यू प्राची जी, आपका जो है ऑनलाइन वर्सेस फेस टू फेस और फिर बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस है, इसमें क्या है कि ये जीरो सम गेम नहीं है कि ये या होगा या वो होगा, ब्लैक एंड व्हाइट इतना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि, और जैसा कि हमसे पहले प्रोफेसर मधुकर जी ने भी कहा और उससे पहले भी जो स्पीकर थे, ये एक साथ साथ चलना है। और जैसा कि हम लोग तो फेस टू फेस जमाने के हैं, और क्योंकि मैं मिलिट्री में रहा हूँ तो एक आपने भी शायद ये कोटेशन सुनी होगी, इट इज नॉट द गन विच इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, the morale of the soldier is ultimate, and I would say same thing would be the morale of the nation as a responsible citizen should be of paramount importance. Advantages, बल्कि जैसे मैं कह रहा था कि दोनों को एक साथ साथ चलना पड़ेगा, जैसे पहले 20% था, अभी जो पॉलिसी होने वाली है 40% ऑनलाइन कंटेंट करके सिलेबस बनेगा, और जिससे कि ये वाया मीडिया होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके और हम फेस टू फेस भी रखें, क्योंकि फेस टू फेस बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, गुरु शिष्य, जो एथिक्स है, जो कल्चर है और जो हमने उसको अच्छा सिटीजन बनाना है, पीयर लर्निंग है, ये सब हम फेस टू फेस कॉलेज जाकर के या स्कूल जाकर के सभी सीख पाएंगे। और अगर हमने ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज को, जैसे 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनको पूरा परमिशन दे दिया जाएगा कि वो ऑनलाइन डिग्रीज दे देंगी, तो मुझे पता नहीं कि वो जो डिग्री लेके जो ग्रेजुएट्स होंगे, अगर वो कॉलेज लाइफ नहीं उन्होंने एंजॉय किया होगा या नहीं गए होंगे, तो जब वो अपना डिग्री लेकर कहीं जाएंगे तो उनको ये हमेशा खटकेगा कि मेरे ये 3 साल जो हम एंजॉय कर सकते थे एज ए यंग, वो शायद उनको खटकेगा। मैं भी ऐसा रहा तो मुझे ऐसा फील होता। अभी जो है आप चैलेंजेस की बात की और बेनिफिट्स की बात की है, ये भी वर्सेस नहीं है, ये दोनों ही एक साथ है। तो और चैलेंजेस जो है आप काफी कवर हो गए, तो मैं केवल आऊंगा गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर और लास्ट माइल जो डिजिटल माइल है उस पर कहना चाहूंगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज है उस पर काफी सोच विचार हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी जब इसका
मंथन के बाद में जो निकलेगी, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या इसके ऊपर भी जो है ऑनलाइन का है, या जो नई यूनिवर्सिटीज होंगी उनको कैसे किया जाता है, मुझे है कि शायद वो निकाल लेंगे। केवल उस पर काफी सोच विचार होना चाहिए। हालांकि मैं भी जो कहने जा रहा हूँ शायद कुछ लोगों को उस पर ताज्जुब होगा, ऐसा ना हो कि जो हमने किया था कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंट लर्निंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो फर्स्ट 200 में आ जाए या फर्स्ट 100 में आ जाए, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो कि केवल ड्राइंग बोर्ड पे थी कि उनको भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। अभी आऊंगा मैं लास्ट माइल के ऊपर। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि मैं अब्दुल कलाम जी का जो PURA प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज है, उससे ताल्लुक रखता है। जैसा कि हमारे पहले स्पीकर ने भी कहा था कि उनके दो ट्राइबल फैमिली थी वहां पे कैंपस में, तो उनको दिक्कत हो रही, तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आकर करें। तो जो अब्दुल कलाम जी ने जो बात की थी कि फिजिकल कनेक्टिविटी, नॉलेज कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ये जब होगी जाकर के तब हमको है जो 2020 उनका जो विजन था भारत का और एक डेवलप्ड इंडिया का था, वो रियलाइज कर सकते हैं। और क्योंकि कोई भी पर्पस एजुकेशन का है, दैट इज टू मेक अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन। तो अगर वो पर्पस है तो ये जो है अब्दुल कलाम का जो ड्रीम है, इसमें हमको शामिल होना, और ये जो हम अभी फेस टू फेस और इसका जो मिलाकर के जो है उसमें कर सकते हैं कि नॉलेज कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी, तो इसके लिए जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड है, फाइबर, और भी इसको आगे बढ़ाना है। और ये जहाँ पर पहाड़ी इलाके जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पर सैटेलाइट से है या इनको रिले सिस्टम से है, तो वो उनको करना पड़ेगा। और जब हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, फिजिकल, नॉलेज, डिजिटल, इकोनॉमिक, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बात हुई थी फेस टू फेस और उसकी इमोशनल कनेक्टिविटी, संवेदनाशील होना है। हमने अभी हमने देखा था कि कोविड की बात हुई थी, उसी से ही सबसे बड़ा अगर मुझे दुख हुआ है कि जब हमारे ये माइग्रेंट लेबर को अपने मेट्रोस को छोड़ करके पैदल बीमारी हालत में या किस दिक्कत से अपने गांव में, अपने शहर में या जहां रहते हैं घर पे जाना पड़ा। तो हम कितनी भी पढ़ाई कर लें और जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है कि अगर हमारा ही जो देशवासी है या हमारे जो लोग हैं वो दुखी हो, वो ना रह सके एक साथ में, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं भी यही कहूंगा कि जो भी हम पॉलिसी लें, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, ये जो लास्ट माइल है और जो मैं पूरा की बात कर रहा हूँ, ये इसमें इमोशनल कनेक्टिविटी को भी ऐड करना है। देयरफॉर फेस टू फेस एंड दी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिक्स होने का है, इतना मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपने जो पॉइंट कहा कि इट कांट बी द ब्लैक एंड व्हाइट, इतना क्लियर तो हो ही नहीं सकता, एंड यू आर रेज अ वेरी गुड पॉइंट रिगार्डिंग द इमोशनल कनेक्टिविटी। मैं वायुनंदन सर जी से अनुरोध करूंगी कि आपके विचार प्रस्तुत करें, क्या चैलेंजेस है और क्या बेनिफिट्स है। मैडम, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द स्पीकर्स हैव स्पोकन अबाउट। मैडम, वन थिंग आई ओनली से दैट अभी जो फेस टू फेस उसका जो एडवांटेजेस है, उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। इन द सेम मैनर ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, और अभी ऑनलाइन में भी वही सेम थिंग। नो डाउट कोविड हैज शोन अस दैट वी हैव टू बी आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑनलाइन आल्सो एट टाइम्स व्हेन देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ इमरजेंसीज लाइक दिस। तो अभी जो कन्वेंशनल टीचर भी ही हैज टू बी एक्सपोज टू ऑनलाइन टीचिंग, इन द सेम मैनर अदर्स आर ऑल्सो शुड बी known other mode of pedagogy and all that. So what we understand is like अभी हमारा हमने क्या किया, अभी दो महीने तीन महीने पहले वो लोग बोल रहे थे open educational resources, how to use open educational resources, हमने COL से उनका एक workshop लिया, COL वाले ने workshop conduct करके they told the आजकल आप लोग course material के preparation में आपको freely available है, no need to have meetings and all that and asking the people to write materials. So, ek open education resource ko aapko adopt kar sakte. In the same manner, MOOCs ka kaisa bana sakte, wo bhi ek COL ne sab. So, now what we understand is, abhi
the teacher, whether it's a conventional or open distance learning, they have to be exposed to all the, this kind of things. Then only in this situation they can act. But it is not that everything is online. That we have to be very clear. School level pe aap online nahi kar sakte, madam. School level pe bachon ko ek classroom hota hai, community learning hota hai, unko bhi environment ka hota hai, ye hota hai. So everything has its own importance. But only thing is situations ko deke apan, as rightly said, we have to have some blended approach. So this is what my thank you, sir. मुझे ऐसा लगता है कि ऑल यूनिवर्सिटीज आर रियली वेरी रेडी टू अडॉप्ट दिस ऑनलाइन और न्यू लर्निंग ब्लेंडेड मॉडल एज राइटली वी ऑल आर एग्री दैट दिस कांट बी द 100% न्यू नॉर्मल और ऑनलाइन और कांट बी 100% फेस टू फेस देयर इज नो नीड बैक अगेन 100% सो आई थिंक दिस इज अ टैगलाइन फॉर दिस ऑल चर्चा का जो हमारा स्वरूप है इस तरह से हम ऑनलाइन जा सकते हैं तो ही हमारे लास्ट क्वेश्चन है आई विल रिक्वेस्ट टाइम शॉर्ट है तो एक दो लाइन में इसका सिर्फ आंसर देंगे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा जो है कि रिगार्डिंग इंफ्रा ऑल यूनिवर्सिटीज आर रियली वेरी रेडी आप सबने बताया कि किस तरह से आपने प्रोविजन किए है और MHRD में भी स्वयं जैसे नागेश्वर राव जी ने हमें बताया तो नाउ आई हैव वन ओनली कंसर्न विच आई थिंक सभी दर्शकों के मन में भी है कि वॉट अबाउट स्टूडेंट्स How they can adopt this online learning very easily? Infra के बारे में students के point of view से हमने क्या विचार किया है? हमें क्या करना चाहिए? In fact, and my second question that is really big question, but just please answer in one or two line कि teachers को pedagogy delivery में हमने क्या किस तरह से train करना चाहिए? Because regarding technology, all teachers are trained because we are using smartphones and we are using our laptops and everything. Regarding pedagogy delivery, how we can train our teachers and regarding students' point of view, how we can prepare or how we can give them the infra facilities. I would like first to go Bhanushesh sir. राजी जी धन्यवाद और आपने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे को आखिर में यहाँ पर लाया है कि फाइनली ये सारा जो हम चर्चा कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं लर्नर्स के लिए कर रहे हैं तो उसको ही ध्यान में सामने रखकर हमको सोचना चाहिए मैं कुछ संक्षिप्त में ही दो तीन मुद्दे आपको आपके दोनों सवाल के बारे में बताना चाहूंगा तो पहली बात तो यह है कि एज फार एज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर कंसर्न एंड द स्टूडेंट्स आर कंसर्न तो हमने एक नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का 2022 तक पूर्ण करने का सपना देखा है सरकार ने और 30 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से 50 Mbps स्पीड हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर गांव तक ले जाए ऐसे हमने संकल्प किया है वो जल्द से जल्द उसकी पूर्तता हो स्टूडेंट्स को एक्सेस मिले इसके लिए मोबाइल इंटरनेट रेट्स उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या कनेक्टिविटी का पेनिट्रेशन बढ़े लो कॉस्ट लैपटॉप्स है स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशन है और टीवी और रेडियो का अधिक माध्यम से हम उपयोग करें तो अधिक विद्यार्थियों तक हम पहुंच सकते हैं स्किल स्केल और स्पीड इन तीनों चीजों की जरूरत है गवर्नमेंट पॉलिसीज में और यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज में टू मेक द न्यू नॉर्मल मोर अफोर्डेबल एक्सेसिबल अचीवेबल And finally, adorable for all the stakeholders of the entire education system. हमारे प्रधानमंत्री जी का अभी कुछ दिनों पहले उनके वक्तव्य में जो एक शब्द आया उसी शब्द का थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने संक्षिप्त में रख के मेरे कथन को यहाँ पर पूर्ण विराम दूंगा मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत ये हमारा सबका सपना होना चाहिए I feel the new normal is this Atmanirbhar or Atmanirbhar mein se A hai adapting and adopting the new online technology, online teaching pedagogy. P is for technology integration for the learner-centric delivery. M is the monetary optimizations which we have to do for affordability. A is the accessibility to all the students in the consideration. N is the implementation of the national education policy. I for India-specific, India-centric approach in all these things. R is as far as the open education resources are concerned, retain, reuse, remix, and redistribute. B is for blended learning, which we all accepted. H is to get habituated to these new tools and technologies of the education 4.0. A is for action plan to design, develop, and deliver the online teaching learning content. And R is to do a research
on this new normal of online teaching learning. Thank you very much. Very true. Now I'll quickly move to Madhulika madam. Just say in 2-3 lines ki how students will able to learn online learning and what should we have to do regarding the infra. Madhulika madam. I think some net problem with Madhulika madam. Are you there? No, I'm coming in. There okay. was I was trying to go unmute from other side. I wasn't unmute. Okay. मैंने शुरू किया था शुरू में ही ये कहने के लिए कि हमारे learners जो हैं हमें इसलिए online होना पड़ेगा because that is the space in which your learners are. अगर हम learner centric systems की बात करते हैं तो open and distance learning, online systems अधिकतर learners के ही facilitation को देखते हुए ही क्रिएट किए जाते हैं. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि लर्नर्स कितने तैयार हैं, एक्चुअली वो टीचर से कहीं ज्यादा आगे हैं. हम लोग जो जिनको डिजिटल नेटिव्स कहते हैं, हमारे लर्नर्स उस एज ग्रुप में हैं जहां ये वाली कैपेबिलिटीज उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छी तरह से प्राप्त की हैं. और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी. मतलब कैसे वीडियोस को यूज करना है, शेयर करना है, कैसे कॉन्स्टेंटली फेसबुक पे रहना है, अपनी लाइफ के सारी चीजें शेयर करना है, वीडियोस बनाना, अपलोड करना, डाउनलोड करना, ये सारी चीजें लर्नर्स को, जो हमारा लर्नर ग्रुप है, वो हमसे कोसों आगे हैं. देयरफॉर वी हैव टू कैच अप विद देम. वी हैव टू एक्चुअली बी इन द स्पेस दैट दे ऑलरेडी आर. हालांकि इसको एजुकेशन के लिए कैसे यूज करना है, इसके लिए हमें उनकी थोड़ी डिजिटल लिटरेसीज बढ़ानी पड़ सकती हैं. देयरफॉर थोड़ी सी तैयारी उनके लिए करनी पड़ेगी. आपने पूछा एक्सेस के बारे में. 2019 में भारत में स्मार्टफोन्स की एक्सेस 500 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी और इसका अधिकतर परसेंटेज जो है यंगर पॉपुलेशन के पास है. देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ एक्सेस इसकी इतनी बड़ी आवश्यकता, मतलब डिवाइस के रूप में उतना उसके लिए परेशानी की अभी इस समय आवश्यकता नहीं है. अभी प्रोफेसर मंदार ने बताया कि ब्रॉडबैंड के बारे में सरकार का बड़ा संकल्प है. अगर हम इसको एक्टिवेट कर पाए तो हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आगे बढ़ पाएंगे. मेरी अधिक चिंता टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्योंकि टीचर्स में भी एक डिजिटल डिवाइड है. देयर इज अ सर्टेन एज जो कि बहुत ही डिजिटली एजुकेटेड हैं, बहुत एंथुजियास्टिक हैं उसके बारे में, और कुछ लोग क्योंकि एक सर्टन विधा से बहुत परिचित हैं इसलिए बहुत जल्दी से चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को. लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन विदाउट ब्लेंडेड लर्निंग आगे नहीं बढ़ पाएगी. तो उनको ट्रेन करना, उनको इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, इसको वे ऑफ लाइफ बनाना, ये ट्रेनिंग करना बहुत ही जरूरी है. इसी तरह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स को एग्जामिनेशन, असेसमेंट, रनिंग द यूनिवर्सिटी कंप्लीटली ऑन जैसे डिजिटल अटेंडेंस, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स, कंप्लीट यूनिवर्सिटीज को उस तरह से चलाना, ये एक तैयारी है जो हमें करनी पड़ेगी. रेडीनेस जहां तक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बाधक नहीं बनेगा मुझे नहीं लगता. अगर बाधक बनेगी तो लोगों की स्किल्स एंड कैपेसिटीज. तो अगर हमें इसके बारे में पहले से अंदाजा है तो हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए, बल्कि ये टाइम यूज करना चाहिए अभी कि हम अपने शिक्षकों को, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें. पार्ट ऑफ दैट इवन फॉर कन्वेंशनल एजुकेशन, इफ देर आर पार्ट ऑफ देयर कोर्सेज दैट दे कैन डू ऑनलाइन, या कैंपस के बिलोंग बच्चों को अगर बियॉन्ड, अगर बच्चों को एंगेज करना है उसके लिए ऑनलाइन यूज करें, तो अगर हम ये कर पाएंगे तो हम ओवर अ पीरियड टाइम अपने शिक्षकों को तैयार कर पाएंगे. और मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं कि हमारे पास अमंग द मोस्ट क्वालिफाइड एंड अमंग द मोस्ट प्रिपेयर्ड टीचर्स हमारे पास हैं. जरूरत उनको सिर्फ डिजिटल माध्यम के लिए थोड़ा सा तैयार करने की है. धन्यवाद. वेरी ट्रू. आई विल गो क्विकली टू मिश्रा सर जी. व्हाट अबाउट द थॉट्स अबाउट द स्टूडेंट्स रीच एंड टीचर्स कैपेसिटी. ओके यस, थैंक यू सो मच. आई विल कम स्ट्रेट दिस थिंग लाइक टेल व्हाट वी आर डूइंग. लाइक आई सेड दैट सिंस वी हैव टेकन दिस स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव रादर देन बीइंग ड्रिवन बाय एनी अदर एनवायरनमेंट कंसीडरेशन. Like they say, charity begins at home. Mangalasan University, there are two of us university. One is at Aligarh, which is now about 14 years. And our new university is opening in Jabalpur. And Professor Madhulika ma'am, who is also a member of our board of governors. So we had an advantage that I had 6 months director general of Mangalasan University in Aligarh, which is an old and very good university. In fact, it has become the first private university in UP
to conduct university examination online, which is going on currently. And अभी जो हम यहाँ पर कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को मालूम होगा कि यूजीसी गाइडलाइन नेक्स्ट ईयर से जो टीचर्स आने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल पे, दे हैव टू बी पीएचडी. तो हमने एक साल पहले ही उससे कर लिया कि जो अभी हम फैकल्टी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अपनी नई यूनिवर्सिटी के लिए, 100% वी आर टेकिंग ऑल ओनली पीएचडी. सो वी विल हैव ऑल द पीएचडी एंड देयर यंग मोटिवेटेड एंड वेरी टेक्नोलॉजी सेवी. और क्योंकि ये हमने पहले ही स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया था और ये अपना रोड मैप बना रखा था, तो कोविड से हमको इतना फर्क नहीं पड़ा. और दूसरी बात है कि हमारे पास स्टूडेंट भी नहीं थे. आईटी लैब जो है या लैंग्वेज लैब है, स्मार्ट क्लासरूम है, वाईफाई और ईआरपी सिस्टम और ये जो मेरे सब स्टेट ऑफ आर्ट ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमको एडवांटेज है, ये सीख मिली हमको अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी से एंड इवन वॉट इज गोइंग ऑन इन दी कंट्री एंड इवन अब्रॉड. और हमारी जो है फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, तो हम जो अपना ई लाइब्रेरी है और जो स्टूडेंट्स को हम लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट्स दे रहे हैं और मोबाइल दे रहे हैं. और कोविड 19 ने क्योंकि हमको ये मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हमारा यूनिवर्सिटी है दो शिफ्ट में चलेगा. एक चलेगा 8 से लेकर 12 बजे तक और दूसरा चलेगा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक. और क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी में अभी स्टार्ट ही करना है, तो हमने ये ऑलरेडी तैयारी कर ली है. मुझे अगर यही यूनिवर्सिटी जो हमारी मंगलायतन अलीगढ़ है वो दो शिफ्ट में करना चाहेंगे तो उनको काफी दिक्कत आएगी. तो ये सब करते हुए जो आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट का है, तो ये सब पूरा जो हम अपना है स्टूडेंट की तैयारी के लिए कर रहे हैं कि उनको ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड क्लास देंगे उनको. और क्योंकि हमारा जो सेटिंग है वो रूरल एरिया में है, तो उनको हम जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो दे रहे हैं फाइबर नेट के ऊपर, और उनको हम लैपटॉप टैबलेट और ये मोबाइल फोन भी दे रहे हैं. और जब हम अभी अगस्त सितंबर में उनका एडमिशन लेंगे तो उनका हम 15 डेज का ओरिएंटेशन कैप्सूल चलाएंगे, क्योंकि उसमें से कई है जो पहली बार यूनिवर्सिटी में आ रहे होंगे और इसी तरह से हमारे जो फैकल्टी है जिस तरह हमने आपको बताया है और उनको ले रहे होंगे. तो ये आपकी लाइक आई सेड कि द चैरिटी बिगिंस एट होम, सो दैट इज हाउ वी आर टेकिंग दिस स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव for the technology-enabled learning imparted to in our university. Thank you so much. Very true, sir. वायुनंदन जी सर, बिकॉज आप तो 3-4 सालों से ये कर रहे हैं और बहुत अच्छे विद्यार्थी आपके पास है, तो वी वुड नो कि ये ऑब्स्टिकल्स है या नहीं है, या उसका बात बड़ी बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ऑल दीज थिंग्स. नहीं मैडम, इतना डिफिकल्टी नहीं है. एज राइटली सेड बाय मधुलिका कौशिक जी, दे आर वेल अवेयर, आई मीन दे हैव गुड नॉलेज ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड शेयरिंग एंड लिसनिंग एंड ऑल दैट. फिर भी उनको थोड़ा सेंसिटाइज करना मैडम लर्नर्स को, और ज्यादा नहीं. आई मीन दूसरी है मैडम, एज यू राइटली सेड, पेडागॉजी जो आपने टीचर्स के बारे में बताया. अभी रिसेंटली कोई हमारे पास आए थे सर महाराष्ट्र में, अभी जो वातावरण के वजह से कोविड वजह से जो प्राइमरी लेवल से लेकर स्कूल लेवल के टीचर्स को पहले तो लोग को ऑनलाइन का सेंसिटाइज करना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू ऑल्सो ट्रेन देम दी पेडागॉजी हाउ टू टीच. एज राइटली सेड बाय मधुलिका, अभी अपन ये माध्यम ये कोविड में आप ऑलमोस्ट वी यूज एज ए डिलीवरी, बट ठीक है दैट वॉज दी बिकॉज ऑफ दी नो आई मीन नो रेडीनेस एंड ऑल दैट. अभी वी हैव टू सेंसिटाइज टीचर्स नॉट ओनली हाउ टू यूज इट बट इक्वली द पेडागॉजी हाउ टू आई मीन यू हैव ह्यूमैनिटीज कैन बी टॉट डिफरेंटली, साइंस कैन बी टॉट डिफरेंटली लाइकवाइज. तो वो डेफिनेटली देर इज ए आई मीन बिग आई मीन स्पेस टू डू दैट. सो बोथ वाइज इन द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, नो डाउट एज राइटली सेड मधुलिका, सम टीचर्स आर रिलक्टेंट बिकॉज technology, because of their age or because of the whatever maybe. But still, both the students and the teachers are to be sensitized to this part, madam. It's necessary. I think बहुत अच्छी चर्चा चालू है, लेकिन समय देखा जाए, समय की पाबंदी है. तो lastly, जो हमने सबने आज जो चर्चा की, तो 2-3 points जो हम बोल रहे हैं कि we don't want to lose the emotional connectivity, we have to think about it also. At the same time, though we are saying it is, but it may be going to become a normal thing now,
And third point I want to again raise that it should be the blended. It can't be the 100% online and can't be the 100% face-to-face. तो बहुत ही अच्छा अच्छी तरह से हमारी चर्चा हुई. आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, आपका समय निकाल के आपने जो आपके विचार हमारे सामने प्रस्तुत रखे, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहती हूँ. रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी और मंगलायतन यूनिवर्सिटी, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, ये तीनों ने मिलके ये जो एक अच्छा चर्चा सत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत रखा, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ. रामबाऊ मालगी प्रबोधिनी का मैं पर्सनली धन्यवाद करूंगी, उन्होंने ये मौका मुझे दिया. और आई थिंक अभी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव मूड पे हम हैं. दो द ऑन स्कूल टीचिंग वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, बट एट हायर लेवल वी ऑल very sound and we have to move ahead with the positive perception only, and with the help of all you I think Bharat aage badhega and Atmanirbhar hoga. Sabhi se ek bar dhanyawad. Is pure Facebook live aur show ko main yahan samapt hua aisa jahir karti hu. Fir se ek bar dhanyawad. Thank you thank you namaskar. Thank you ma'am. Thank you. Bahut bahut dhanyawad. Thanks sir.